ठीक है, जो ही अपने छोड़ा था, तो मतलब चौहान, ये तो चौहान तो है शाकंभरी अजमेर, ठीक है। तो देखो शाकंभरी अजमेर जैसे अपन बोलते हैं, शाकंभरी के चौहान बोल दो, अजमेर के चौहान बोल दो, एक ही चीज है। शाकंभरी प्रारंभिक राजधानी, फिर अजयराज जैसे अजमेर बन गया, कब, एक 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 और तीन, तो 1113 के अंदर जैसे अजमेर बन गया, वो हो गया राजधानी। फिर जब विजयराज विशल देव ने दिल्ली जीत ली, दिल्ली कब जीती, 1147 57 है, 1857 ऐसे, 1157 फिर दिल्ली जीत ली, तो शाकंभरी अजमेर और दिल्ली ऐसे इनकी राजधानी बन गई, ठीक है। तो चाहे शाकंभरी के चौहान कह दो, चाहे अजमेर के चौहान कह दो, चाहे दिल्ली के चौहान कह दो, एक ही चीज है, शाकंभरी अजमेर और दिल्ली एक ही चीज है। अभी और नहीं जोड़ने अपन को इसमें, नाडो रणथंभौर ये सब बाद में आएंगे, अभी ये पूरा राज्य इन्हीं का ही है, ठीक है। तो अपन देखते हैं चौहान गहड़वाल कन्नौज संघर्ष, है ना। अब अपन देखो संघर्ष को इसमें कैसे देखना है, जैसे कल अपन ने जैसे देखा था कि पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली का बना शासक 11 वर्ष की आयु में 77 में, तो चारों तरफ एक लाइन थी ना, चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ था। तो चारों तरफ में अपन ने जैसे नागार्जुन देख लिया, गुड़गांव, भंडारकों का अपन ने दमन जैसे देखा, गुड़गांव हिसार पूरा क्षेत्र, इधर अपन ने गुजरात देख लिया भीम सेकंड, इधर महोबा देखा परमर्दी देव, ठीक है। ऐसे अब अपन उत्तर पूर्व के अंदर देख रहे हैं कन्नौज, दिल्ली से जैसे कन्नौज की स्थिति अपन ने यूपी के मैप में देख ही रखी है, तो ये कन्नौज में शासक था कौन, मतलब गैडवाल तो वंश है, ठीक है, और गैडवाल वंश का शासक कौन, जयचंद गैडवाल, ठीक है ना, ये चीज इसमें है। तो क्या है, चौहान राज्य के उत्तर पूर्व में, अभी उत्तर पूर्व आप समझ ही गए, है ना। अब जैसे क्या, अगर अपन मैप स्टडी नहीं करते हैं ना, तो ये उत्तर पूर्व अपने लिए गौण हो जाता है, कि कहां का उत्तर पूर्व, चौहान समझो और कन्नौज समझो, बस उत्तर पूर्व नहीं पता हम। अब जैसे ये आ जाए मैप बनाओ, आ जाए ये तो चौहान वंश, और इसके जो ABCD जो जो शत्रु शासक थे ना पृथ्वीराज चौहान के, इनको सुमेलित करो आप, कि परमर्दी देव कौन सा है, बी था या सी था। तो जैसे मान लो अपन पृथ्वीराज चौहान का जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे साम्राज्य बनाते हैं, जैसे ये पृथ्वीराज चौहान का जैसे साम्राज्य हो गया फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये यूं बना हुआ मैप, ठीक, तो ये शाकंभरी, ये दिल्ली, ठीक है ना, ये तो मतलब अजमेर समझ लो, जैसे अजमेर ये दिल्ली। अब जैसे बनाते हैं कि क्रम में जमाओ, तो जैसे कन्नौज अपन बनाएंगे तो कन्नौज से दिल्ली, यहाँ ठीक है, ये कन्नौज हो गया। अपन जैसे नागार्जुन देखें तो दिल्ली के दक्षिण के अंदर ये गुड़गांव नागार्जुन हो गए, भंडारक देखें तो ये हिसार, जैसे ये हिसार अपने झुंझुनू की तरफ, ये हिसार हो गया, ठीक है, ये नागार्जुन हो गया, ये मतलब हिसार मतलब भंडारक, भंडारकों का दमन है, हिसार में नागार्जुन, ये दक्षिण में अपन देखें तो ये क्या है, ये गुजरात है, और महोबा कहाँ है, ये महोबा किंगडम यहाँ है, बुंदेलखंड परमर्दी देव, ऐसे। तो इस ऐसे छोटा सा एक मैप बना लो, ये पिक्टोग्राफी अपन को याद रहनी चाहिए, क्योंकि जैसे कई बार जैसे अपन लिखते भी हैं या इनको पढ़ते हैं ना कंटिन्यू, तो ये ऐसे फैक्ट्स के रूप में नहीं खिलेगा, लेकिन जैसे अब ये जो तस्वीर मैंने बनाई, ये अपने सामने एक बार दिमाग में खुली रहती है, तो अपन को पढ़ने में आसानी होती है, ये फिर अगेन वही एक वैज्ञानिक तरीका चीजों को याद रखने का। एक तो अपन यूं क्रम में याद रखेंगे, नागार्जुन थे, फिर नय के बाद भय था, भय के बाद फिर भय था भीमदेव, कंफ्यूजन होगा उससे, और ऐसे अपन को पिक्टोग्राफी याद रखनी है, भाई चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ था, तो चारों तरफ देख लो इसकी, बस चारों तरफ क्या होगी, एक बिंदु बनेगा और उसके चारों तरफ ये दिशाएं बनेंगी, ये तो अपन करते हैं चारों तरफ के अंदर। तो जैसे मान लो बीच के अंदर ये हो गया शाकंभरी अजमेर दिल्ली कुछ भी हो गया, अब इसके चारों तरफ अपन को घुमाना है, बस दक्षिण में इधर अपन देखें तो गुजरात आ गया, दक्षिण पूर्व में इधर देखें तो महोबा आ गया, इधर उत्तर पूर्व में देखें कन्नौज आ गया, यहाँ पे नागार्जुन और ये भंडारक आ गया, गिर गया चारों तरफ से, है कि नहीं है। जैसे अपन इसराइल देखते हैं, साला ये ना अपने जैसे देखा था, तो वो इसराइल भी आज हॉस्टाइल देशों से घिरा हुआ, तो सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, तो ये हॉस्टाइल फिलिस्तीन है बगल में, तो वो शत्रु देश है इसराइल से, ऐसे है ना। तो ऐसे करके इसने दमन किया, क्योंकि देखो ये अप्रोच जैसे जो है ना चारों तरफ, जो विरासत आज पृथ्वीराज चौहान को अपन देख रहे ना, जो अपन दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे तो ये का ये काम करेगा इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आएगा, वो भी जैसे अपने दक्षिण में जैसे जो आएगा चारों तरफ शत्रुओं से घिरा हुआ था, फिर उसने भी शत्रुओं का ऐसे ही नाश किया जैसे पृथ्वीराज ने किया, ठीक। तो यूं अपन को चारों तरफ इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए कौन किधर है, और फिर जैसे मान लो मैप आता है या रिविजन अपन कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसको इसमें ऐसे बनाओ और ब्रैकेट में नाम लिखते चले जाओ, बस सारी चीजें आप जानते ही हो, ऐसे कोई दिक्कत है ही नहीं इसमें, तो अपना आप इंटरेस्ट आएगा, अपने आप क्वेश्चन जैसे देखोगे। हाँ मतलब जैसे क्या है, मैंने ये मैप बनाया ना जैसे, तो इस मैप में मैंने किया क्या है, इसमें कंपेरेटिवली मतलब ये आयत के रूप में जैसे मैंने बना दिया,
है ना, जैसे इसको अपन वैसे ही जैसे इस डिजाइन के अंदर बनाते तो उसमें नो डाउट नीचे आ जाता, जैसे दिल्ली अपन देखें तो यूं करते हैं, हाँ यहाँ से ये यहाँ दो आपसे तुलनात्मक रूप से नीचे। आज जैसे अपन देख रहे हैं अनेक जिलों के रूप में टुकड़ा हुआ हुआ है, पहले पश्चिमी यूपी जैसे जो था उसको जैसे अपन आलमगीरपुर को छोड़ दो, उसके पास में फिर जितना आज जैसे अपन मेरठ बुलंदशहर फर्रुखाबाद सब देखते हैं ये सारा कन्नौज ही कहलाता है, पर दो टुकड़े हुआ करते थे कन्नौज और अवध, पूरा जो अपन यूपी देखते हैं तो पश्चिम वाला पूरा कन्नौज प्रांत और पूरा वाला जैसे अपन देखें वो पूरा अवध था, दो ही थे 1857 तक यही चलता आ रहा था, फिर बाद में आया इलाहाबाद टुकड़ा बना अवध का ऐसे। ओके आओ, तो कन्नौज गढ़वाल में उत्तर पूर्व समझ ही गए, तो चौहान राज्य के उत्तर पूर्व में गढ़वाड़ो गढ़वाल हुआ कन्नौज राज्य था, ठीक ये कन्नौज के गढ़वाल। तो अब थोड़ा सा आप समझो और दिमाग लगाओ, गुजर प्रतिहार अपन ने पढ़े थे, पढ़े थे नहीं पढ़े थे, तो नागवद्दित्य ने इसको जीत के मिलाया, फिर जब गुजर प्रतिहार चले गए तो अजमेर वाले क्षेत्र में तो आ गए चौहान, और कन्नौज के अंदर कौन सा वंश उत्पन्न हो गया गुजर प्रतिहारों के बाद, गढ़वाल है कि नहीं। तो जैसे वो सामंत वाला जैसे जो कॉन्सेप्ट है सामंतवाद कैसे विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति लेके आया ऐसे अपन को ध्यान रखना है ना। जयचंद गढ़वाल कन्नौज का शासक था, जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज तृतीय का मोसरा भाई था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है मोसरा चचेरा, वह भी पृथ्वीराज के समान अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, सामंतवादी थे, प्रवृत्ति थी। दिल्ली के राजा इसको है ना अनंग अनंत, ये अनंत भी जैसे नाम मिलता है और अनंग दोनों ही मिलते ही है ना, अनंगपाल तोमर, लेकिन तोमर इंपोर्टेंट है, दिल्ली पे किस वंश का शासक था, तोमर वंश का। अनंगपाल तोमर के कोई पुत्र नहीं था इसलिए अपने नाती पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, नाती जैसे अपन जैसे कल देख ही चुके थे इनकी, जैसे जो माँ थी पूरी देवी वो कहां से बिलोंग करती थी, तब अपन देखा ना निहाल जैसे इनका था दिल्ली के तोमर वंश के शासक की पुत्री थी, और जयचंद सॉरी पृथ्वीराज चौहान का जन्म हुआ था, जो कल फैक्ट में होता है देखने के लिए राणा प्रताप में जिस तरह कंफ्यूजन हो गया था, तो जन्म वही अपने गुजरात के अपन जैसे देखते हैं पाटन, और मदर जो थी ये बिलोंग करती थी तोमर वंश से, बिल्कुल सही था, ठीक है। तो अपने नाती पृथ्वीराज थर्ड को दिल्ली का शासक बना दिया, जयचंद्र भी उसी समय दिल्ली का राजा बनने के लिए सपना देख रहा था, है नहीं, क्योंकि जैसे अपन कन्नौज की बात जो इंपॉर्टेंट स्थान हो गया था धीरे धीरे इतिहास में, वो स्थान किसका हो गया था, दिल्ली का हो गया था तोमर वंश के कारण, ठीक है। फिर क्या जयचंद्र व पृथ्वीराज चौहान दोनों राजाओं में दिल्ली को लेकर ना मैं कर दो उसमें ना दोनों राजाओं में दिल्ली को लेकर आपसी वैमनस्य पैदा हो गया। पृथ्वीराज ने जयचंद्र की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर उसे गंधर्व विवाह कर लिया, है ना, गंधर्व विवाह में लिख लो, जैसे इसको अपन जैसे आज जैसे जो जिसको अपन लव मैरिज बोलते हैं ना, ये उसका प्रोटोटाइप है गंधर्व विवाह। जैसे 8 प्रकार के विवाह आएंगे उसमें से एक ये प्रकार था गंधर्व विवाह, टोटल उसमें लिख लो 8 प्रकार के विवाहों में से एक। कई बार क्वेश्चन यही आ जाता है कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख जैसे ऋग्वेद के अंदर हुआ हुआ, उत्तर ऋग्वेदी काल के अंदर ही पॉपुलर हुए थे, तो जैसे संस्कार अपन देखते हैं 16 संस्कार है, ठीक है, और विवाह अपन देखते हैं कितने प्रकार के हैं, मतलब जो स्मृतियों में या वेदों में अपन को मिलते हैं, तो 16 संस्कार है, 8 प्रकार के प्रमुख विवाह है ना, इसमें लिखिए 8 प्रकार के विवाहों में एक, और ये एक तरह से लव मैरिज का प्रोटोटाइप था यूं गांधर विवाह है ना, जिससे उनके मध्य कटुता और ज्यादा बढ़ गई। अब थोड़ा अपन जान लेते हैं स्रोतों के बारे में, आपने सारा कुछ जानते ही हो, फिर भी एक बेसिक फैक्ट्स के रूप में देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है किसने लिखा, चंद्रवरदाई है ना, अपन ने जैसे देखो कल मैंने नहीं बताया था जानपूझ के, अभी आगे वो लाइन और आएगी, जैसे पृथ्वीराज रासो, रासो का मतलब है संबंध भी जैसे उनकी आत्मकथा जैसे मान लो है ना, लेकिन ये आत्म शब्द इनमें नहीं लगता क्योंकि जैसे ये खुद के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये किसी दूसरे व्यक्ति, और रासो का मतलब होता है उस व्यक्ति के संबंध में इतिहास। फिर जैसे अपन मध्यकालीन भारत में आएंगे ना, जब मुगल इंडिया जब पढ़ेंगे अपन या दिल्ली से पढ़ेंगे, तो ये रासो शब्द चेंज हो जाएगा और वहां शब्द पड़ जाएगा तारीख, जैसे तारीख मुबारक शाही, तारीख फिरोज शाही है कि नहीं। तो जैसे अपन हिंदू धर्म के अंदर ट्रेडिशन था जैसे रासो लिखने का, खुमान लिखने का, तो वो सब ये क्या हुआ करती थी हिंदू धर्म में, जब कोई पार्सियन जैसे लिखेगा या मुस्लिम अरबी को लिखेगा तो उसमें शब्द आता था तारीख। तो जैसे आज अपन बोलते हैं ना जैसे आज तारीख है, ठीक है, तो तारीख का मतलब जैसे आज दिन है, लेकिन आज का दिन जैसे हर दिन अपने आप में पर्टिकुलर दिन एक इतिहास बन जाता है गुजरने के बाद, तो इसलिए अपन इसको बोलते हैं तारीख का जैसे मतलब होता है इतिहास, आज का दिन अपने आप में आने वाले कल के अंदर क्या बन जाएगा, हिस्ट्री बन जाएगा। तो पूरे विश्व में आज जैसे कुछ घटनाएं होंगी तो अपने आप में हिस्ट्री बनती जाएगी। जैसे अभी अपन देखें कि COP25 चल रहा है जैसे स्पेन के अंदर, ठीक, अब नागरिक
नागरिकता संशोधन विधेयक जिसे बन के अब जिसे अधिसूचना लागू होने वाली है, तो वो सब क्या हो रहे हैं हर दिन अपने आप में क्या बनता जा रहा है, हिस्ट्री होता है। आज जैसे मान लो अमेरिका हमला कर देता है ईरान के ऊपर, तो अपने आप में वो इतिहास हो जाएगा। तो इसलिए तारीख मतलब इतिहास, जिसको अपन डेट बोलते हैं इंग्लिश में, ऐसे रासों का मतलब उस संबंधित व्यक्ति का इतिहास इसके अंदर। तो ये तो था पृथ्वीराज रासो। कल अपन ने पढ़ा था कि जैसे अपन ने पढ़ा था रास आया था जोधपुर, रास आया हुआ घूमने गए, तो वो कौन था, वो हमीर देव था, हमीर रासो, है ना। तो जैसे अभी आगे और जैसे लिस्ट का नाम आएगा, लेकिन जैसे अभी यूं आ रहा है तो देखो अपन को कैसे समझना है, ये तो है पृथ्वी, ठीक है, और रासो, रासो का जैसे मैंने अपन को वो रासो का मतलब वही रहेगा हमेशा जो अपन पहले पढ़ता है कि रास आना, क्लू के रूप के अंदर होता है रास आना। और दूसरा था हमीर, ठीक है, हमीर रासो, अभी रणथंभौर में आएगा ये हमीर रासो। तो कल अपन ने पढ़ा था हमीर रासो, तो जैसे कल अपन ने पढ़ा था रास आना, तो हमीर को जैसे रास क्या आया, कौन सा शहर रास आया, जोधपुर, ठीक है। अभी जैसे थोड़ा सा इसको ध्यान रखो, अभी अपने आप याद आ जाएगा। फिर जैसे ये पृथ्वी है और रासो का वही रास आना, तो जैसे अपन ने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का कॉन्सेप्ट अपन समझते ही है, तो उनके अंदर तीन चीजें ही होती है, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, लेकिन दोनों के अंदर तीन चीजें इन्वॉल्व रहती है, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा, ये तीन ही रहती है, इसके अलावा कोई नहीं आता, बस उनकी स्थिति बदल जाती है कौन बीच में, ये इतना ही फर्क होता है सूर्य और चंद्र ग्रहण में। तो पृथ्वी को क्या चीज रास आएगी, चंद्र रास आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज रास हो, ये चंद्रवर्धी हो गया, बस खत्म। मतलब चंद्र ग्रहण के कारण पृथ्वी को रास आया चंद्र, चंद्र ग्रहण, और हमीर को क्या रास आया, जोधपुर से, तो वो जाएगा जोधपुर, ठीक है ना। तो ये दोनों राशो है, तो क्योंकि जैसे अभी अपन जैसे टेक्स्ट के रूप में देखेंगे ना, तो ये एक जैसे मिलते हुए नाम है, हमीर राशो हो गया जोधपुर, हमीर राशो का पृथ्वीराज राशो हो गया। कल जैसे अपन ने हमीर महाकाव्य जैसे देखा था, तो काव्य सम्मेलन देखने के लिए क्या चाहिए अपन को, नयन चाहिए, तो नयन चंद्र सूर्य हो जाएगा, ऐसे। तो छोटी छोटी चीजें हैं, अभी अलग अलग जब आ रही हैं तभी उनको फिट कर लो। तो पृथ्वीराज राशो के अनुसार चौहानों और गैडवालों वैमनस्य का तत्कालीन कालीन संयोगिता थी, संयोगिता का पृथ्वीराज चौहान थे, आपस में प्रेम करते थे, जिसका पता संयोगिता के पिता जयचंद्र गैडवाल, अभी जयचंद्र कहीं भी अपन पढ़े ना तो इसमें गैडवाल नहीं लिखा हुआ, तो गैडवाल आप लिख दो, है कि नहीं, और ब्रैकेट में जैसे कन्नौज लिख दो, तो वो रिविजन होता जाएगा बार 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 बार, क्योंकि क्वेश्चन आप जैसे देख ही रहे हो, कौन सा चंदेल शासक था जिससे वैमनस्य था, कौन सा गैडवाल शासक था जिससे वैमनस्य था, कौन सा गुजरात का शासक था जिससे वैमनस्य था चौहान का, पृथ्वीराज चौहान का, तो भीमदेव, परमरदेव, गैडवाल, जयचंद्र गैडवाल, ऐसे याद रखने हम लोग, ठीक है ना। जयचंद ने अपने वैमनस्य के कारण पुत्र का विवाह दूसरे राजाओं के साथ करने का निश्चय किया और संयोगिता का स्वयंवर रचाया। अब स्वयंवर आया था ना, स्वयंवर, वर का मतलब ब्राइड, सॉरी ग्रूम जैसे देखना, ग्रूम देखना वो, और स्वयं जैसे देखेगी, तो वो लव मैरिज का याद जी अपन जो प्रोटोटाइप देखते हैं वो है गांधर्व विवाह, लिख लो उसके ऊपर जब भी अपन ने पढ़ा था गांधर्व, ठीक है ना। स्वयंवर में कई राजाओं महाराजाओं को बुलाया, परंतु पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंशीय को स्वयंवर में नहीं बुलाया। जयचंद ने गैडवाल, जयचंद ने पृथ्वीराज तृतीय को अपमानित करने के लिए उसके लोहे की मूर्ति है ना, लोहे के ऊपर गोला लगाओ आया था, मिट्टी की मूर्ति है कि नहीं है, या कोई पुतला बनाया, तो ये धातु की मूर्ति थी, किस किस धातु की, लोहे की मूर्ति है ना। जैसे मान लो सोने की बनाई होती तो और वो सम्मानजनक होता, जैसे अकबर जैसे ले गया था फतेहपुर सीकरी, तो उसने सोने की मूर्तियां बनाई सेनापतियों की सम्मान में, तो लोहा कोई अमूल्य धातु नहीं है, कोई इजीली अवेलेबल है ऐसे, ठीक है ना। लोहे की मूर्ति बनाकर द्वारपाल के स्थान पर रखवा दी, द्वारपाल है ना, कि ये बुलाने लायक ही नहीं है, ये सिर्फ इस लायक है कि यहाँ खड़ा होकर रक्षा करें हमें, समझे। स्वयंवर का समय आया तो संयुक्ता ने वरमाला अपने प्रेमी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति, कौन सी, लोहे की मूर्ति के गले में डाल दी। वही स्वयंवर गंधर्व विवाह, आठ प्रकार विवाहों में इसका पता पृथ्वीराज को चला, तो अपने सैन्य बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचा और संयुक्ता को ठहरकर अपने साथ ले गया और अपनी राजधानी पहुंचकर उसके साथ गंधर्व विवाह किया, और राजधानी क्या, दिल्ली, वो तो अमर, ऐसे इसको अपन को देखना सारा है, इसको आपको ज्यादा अपन को नहीं फैलाना है, ना ज्यादा इस चीज में भावुक होना, बस इतना सारा समझना है कि जैसे वैमनस्य का कारण क्या था, ठीक है। तो जैसे अपन जैसे दो तीन जैसे इसमें नाम आ गए, जैसे फिर जैसे संयोगिता हुई, इसे थोड़ा सा पहले अपन ने इच्छनी कुमारी देखा ही था गुजरात देव को लेकर, और इनकी माता जैसे अपन ने कपूरी देवी देखा वो इधर, कांचन देवी कल अपन जैसे देख ही चुके हैं सोमेश्वर, ऐसे अपन को फरमाराबू। तो जैसे जो भी जैसे फीमेल्स के जैसे नाम किसी भी अपन डायनेस्टी के वंश के अंदर पढ़ते हैं ना, उनकी एक छोटी सी लिस्ट बना लो, सेनापतियों के नाम आते हैं उसकी लिस्ट बना लो, क्योंकि ये जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना तो ये कॉम्प्लिकेट होता हुआ चला जाएगा इसको, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए संयुक्ता वाला एपिसोड है ये किधर से किस किस के बीच में लिंक है,
चौहान और जेड वालों के बीच में, इचनी वाला वो भी इससे नहीं है लेकिन चौहान से रिलेटेड है, कपूर की देवी चौहानों और तोमर से, समझ गए, तो इनको क्लू बनाते चलो, मतलब टेबल बनाते चलो जिससे कि अपन कभी पीपीआर करें तो अपने सामने वो रेडी इंफॉर्मेशन रहे। ओके, फिर अपन देखते हैं चारों तरफ से घिरा हुआ संगर पृथ्वीराज चौहान दुश्मनों से, तो अपन मलेच्छ जैसे देख ही चुके हैं, ठीक है। अब क्या है, जैसे धीरे धीरे क्या है, अभी तक अपन शब्द पढ़ते आए थे अरबों के आक्रमण, गुर्जर प्रतिहार में ये पढ़ा, अब क्या है इनमें स्पेसिफिकेशन होता चला जाएगा। पहले तो अरब थे जो अरब प्रदेश से आए, फिर अभी अरब टुकड़ों में टूटने लग जाएंगे, जैसे सबसे पहले तुर्क आएंगे, है कि नहीं, तो ये तुर्क है जैसे गजनी और गौरी जो है, क्योंकि इनके वंशज तुर्की से आके यहाँ बसे हुए थे गजनी के अंदर। फिर इसके बाद जो इसका वर्जन आएगा वो मंगोल आएंगे, मुगल शासक जो थे, मुगल शासक तुर्क नहीं थे वो मंगोल थे, और दिल्ली सल्तनत के जिससे जितने भी बादशाह बनेंगे वो सारे क्या है, वो तुर्की, तुर्की मतलब तुर्कों के वंशज हैं वो, चाहे वो गुलाम हो, चाहे अपन पढ़ेंगे खिलजी हो, चाहे तुगलक हैं, चाहे सैयद हैं, चाहे लोदी हैं, वो सब तुर्क हैं। तो जैसे यूं आता है कि भारत में तुर्की प्रशासन के प्रमुख तत्वों का उल्लेख करो, तो तुर्की प्रशासन से मतलब क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत के जो प्रशासन के आयाम थे उनकी आप चर्चा करो। मंगोल प्रशासन, तो मंगोल प्रशासन क्या है, वो मुगलों का जो प्रशासन है वो मंगोल प्रशासन है, मुगल शब्द ही मंगोल से निकला अपने आप में ऐसे, तो अब क्या धीरे धीरे चेंज होने लग जाएगा। अब जैसे अभी हिंदू थे तो इनका टाइटल हुआ करता था राजा, महाराजा, अधिराज, ऐसे ही अभी जब तुर्की आ जाएंगे तो टाइटल वही बदल के हो जाएगा सुल्तान, खलीफा से, क्योंकि उनकी उपाधि मिलती थी, इनका क्षेत्र कहलाता था सल्तनत, जब वो मंगल मुगल आएंगे मंगोलों के वंशज तो राजाओं की उपाधि बदल के हो जाएगी बादशाह, जैसे बाबर सुल्तान नहीं था, हुमायूं सुल्तान नहीं था, क्या था वो बादशाह थे। तो बादशाह क्या है अपने आप में, सुल्तान और बादशाह में जैसे क्या फर्क है, ये चीजें, तो राजा हो गया सुल्तान हो गया और बादशाह हो गया, तो ये अपना अपना सिस्टम, जिस ट्रेंड जिस वंश से वो निकल गए उसमें क्या परंपरा थी उसके अकॉर्डिंग ये सारे नाम, ठीक है। तो तुर्कों से अपन संगर देख, अब यहाँ अरब शब्द नहीं है, समझने वाली बात ये है समझने के लिए, तो तुर्क मतलब जिनके तुर्की से जो वंशज है, तो तुर्क जैसे अनातोलिया का पठार, जैसे अपन देख ही रहे जैसे अपने करंट में पढ़ाया था कुर्दिस्तान आया कि नहीं गया, तो वो कुर्द प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो कुर्दिस्तान आज अपने आप में क्या है, तुर्की का ही एक जो पूर्वी हिस्सा है अनातोलिया के पठार के पूर्व में, वो सारा तुर्कस्तान, सीरिया, इराक का अपने हिस्सा देखा ही था। तो अब ये इन तुर्कों के अब नए वंशज है, जो नई पीढ़ी है जो अब संप्रभुता चाहती है वो कुर्द है, ईसाइल का जो लेवेंट राज्य अपन ने देखा, ठीक है। तो ये तुर्कों से संघर्ष, तो फिर क्या है 1173 में मोहम्मद गोरी गजनी का सूबेदार बना, है ना। देखो ये क्या है, ये गजनी गौरी दो प्रांत है वेल नोन अफगानिस्तान के अंदर, वेल नोन प्रांत था पहले गजनी, तो गजनी जैसे मोहम्मद, जैसे हिंदी में तो अपन लिखते हैं मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी, लेकिन इंग्लिश की जैसे कोई बुक पढ़ोगे सुबह सरकार वगैरह, तो उसमें अपन को ये ऐसे देखने को मिलता है कि मोहम्मद ऑफ गजनी, मोहम्मद ऑफ गौर, तो गजनी और गौर क्या है, ये प्रांत है, आज भी प्रांत है अफगानिस्तान में। जैसे मैंने आपको जो मैप दिया हुआ अपन ने सार्थक मैप्स में जरूर बना हुआ है, देखो उसमें भी शायद अफगानिस्तान में बना होगा एटलस के अंदर, गजनी और गौरी नहीं, देखो एक बार अफगानिस्तान के मैप में, मैंने जो दिया उसमें तो मैंने बना रखा है, लेकिन एक बार एटलस में देख लो दिख जाएगा, जैसे मान लो ये अफगानिस्तान है ये इस तरह से, तो यहाँ है ये गजनी प्रांत और ये है नीचे गौर, तो गजनी पहले का बना हुआ है, गौर अब बना हुआ है, देखो अफगानिस्तान में शायद 21 या 22 नंबर पर अपना मैप देखोगा, मतलब एशिया के अंदर अफगानिस्तान का मैप बना हुआ अलग से, तो मैंने एशिया के अंदर जो मैप दिए हुए ना, तो अपने सभी सार्क देशों के मैप उस सार्थक एटलस में है, उसमें अफगानिस्तान में बना हुआ स्पेसिफिक, काबुल, खंडार, गजनी, गौरी, नहीं गजनी बिल्कुल मिड में, देखो जैसे जहां मैंने ये टिक लगाया है, यहाँ हिंदू कुश पर्वत से थोड़ा नीचे है, मिल गया अंकल, मिल गया, हाँ हाँ गौर, गौर एक ही चीज दक्षिण में, तुलना करो उसे, क्या पेज नंबर है 48 पे देख लो, ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर देखो, बिल्कुल जैसे अफगानिस्तान में प्लस बना दो फिर ऑलमोस्ट बीच के अंदर देखो गजनी, हाँ गजनी के दक्षिण में गौर जैसे लिखा हुआ, गौर गौर गजनी से थोड़ा सा दक्षिण में
बीच में देखो तुलनात्मक रूप से अफगानिस्तान में बीच में ऊपर नहीं है, हिंदू कुश पर्वत में ऊपर नहीं है, नीचे है तलहटी में थोड़ा सा। ऊपर तो जैसे पामीर ग्रंथी जैसे जो है वो तो बिल्कुल पहाड़ी पथरीला इलाका, वहां तो कोई जनसंख्या नहीं है। इसके दक्षिण में मिल गया, नहीं मिला किसी गजनी और उसके नीचे गौर। तो ये प्रांत है। आज जैसे अपने जो वेल नोन मिसाइल देखते ना, आपने जैसे नाम है, अपन ने जैसे देखा ही था जेड अपन बनाते हैं तो बारह का खास त्रिशूल ब्रह्मोस अग्नि अग्नि पृथ्वी प्रहार ऐसे, तो अपनी मिसाइल में तो नाम ये है। और जैसे आप पाकिस्तान जो मिसाइल बनाता है उसकी मिसाइलों के नाम होते जैसे गजनी बाबर गौरी, ये उसकी मिसाइलों के नाम है। तो शाहीन तो जैसे जो वेल नोन जो मिसाइल है ना पाकिस्तान की, जो अपने ब्रह्मोस से तुलना जिसकी की जाती है वो गजनी मिसाइल है वहां। तो गजनी वहां इंपॉर्टेंट सेनापति हुआ हुआ है कि नहीं, मतलब मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान है ना, अरब देशों के अंदर मुस्लिम वर्ल्ड में यू है, आता रहता है न्यूज के अंदर देखना। चलो आओ कहना ग्यारह मोहम्मद गौरी गजनी का सूबेदार बना। तो ये गजनी प्रांत देखो उन्हें पता होना चाहिए, काबुल कंधार जैसे देख लो, गजनी को काबुल तुलनात्मक रूप से ऊपर है और कंधार नीचे ईरान की तरफ। देखो एक बार काबुल कंधार की और स्थिति देखो इसी मैप में, काबुल ऊपर है पहाड़ी क्षेत्र है और कंधार नीचे मैदान में है पर्शिया की तरफ। तो 99 में अपना प्लेन हाईजेक हुआ था ना एयर इंडिया का, तो उसको कंधार लेके गए थे, काबुल नहीं लेके गए थे। 99 में जो प्लेन हाईजेक हुआ अपना, समझ गए, अमृतसर से जैसे कंधार की उड़ान पे था वो इस्लामाबाद होते हुए, नीचे देखो कंधार। तो मुगलों ने जैसे जो अभियान किए ना अफगानिस्तान में वो कंधार पे सेंट्रिक थे, क्योंकि तो कंधार से रास्ता होके जाता था ईरान के अंदर। तो काबुल से होकर रास्ता जाता है ईरान में, काबुल से तो उधर सेंट्रल एशिया में जाता है रास्ता कैस्पियन सागर में, है कि नहीं है। लेकिन अपन को ईरान जाना है तो कहां से होकर गुजरना पड़ेगा, अपन को कंधार से होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब सिंध से जैसे आप जा रहे हो, सिंध से अपन अफगानिस्तान में गए और ईरान जाना है तो रास्ता कहां से होकर गुजरेगा, कंधार से होकर गुजरना था। तो ये चौकी पड़ती थी बीच में। तो जैसे ये क्वेश्चन ये आया मुगलों के लिए क्या महत्व था कंधार का, किधर जाना, तो ईरान में जैसे जाना है ना, तो ईरान पर्शिया हुए हुए हैं, शिया शिया वर्ल्ड का हेडक्वार्टर था ईरान, तो इसलिए जब कभी भी शिया वर्ल्ड में जाना है तो अपन को रास्ता कहां से गुजरेगा, कंधार में से गुजरेगा। और वेल नोन शहर है अफगानिस्तान का आज, जैसे अपन देखते हैं ना अपने दिल्ली मुंबई कलकत्ता मद्रास अपने जैसे चार महानगर, ऐसे ये ईरान के दो महानगरों में से एक है, मतलब काबुल ऊपर कंधार नीचे गजनी और गौरी यू, ठीक है। तो ऐसी लोकेशन पता होनी चाहिए। और फिर जैसे अभी अपन देखें पृथ्वीराज चौहान का जैसे जो मकबरा बना हुआ है वो यहाँ गजनी में बना हुआ है, ठीक है। तो मोहम्मद गौरी गजनी का सूबेदार बना। गौरी अपने मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से भारत में सर्वप्रथम गुजरात लेने के लिए 1178 में आक्रमण किया है ना। ये अब सारे गौरी गौरी चल रहे हैं, जैसे 1178 है तो गजनी पहले जा चुका है ना। इसमें आप यू डैश करके ऊपर लिख लो गजनी, और गजनी के बाद जैसे आया है गौरी, तो डैश करके और फिर गौरी यू, ठीक है, गजनी और गौरी। तो पृथ्वीराज चौहानों का जितना भी संघर्ष हुआ वो सब किससे हुआ है, वो मोहम्मद गौरी से हुआ है, गजनी से इनका कोई संघर्ष नहीं हुआ है वेल नोन, ठीक। ये उस समय मतलब ये समझ लो कि अपने सुस अवस्था के अंदर इन्फेंट स्टेज के अंदर थे ये पृथ्वीराज चौहान, मतलब चौहान वंशी जब गजनी का दौरे हुए भारत में, ठीक है। तो सर्वप्रथम गुजरात लेने के आक्रमण किया, फिर क्या गुजरात के शासक भीमदेव चालुक्य कल अपन जैसे पढ़ी चुके हैं, भीमदेव के साथ मनमुटाव हुआ पृथ्वीराज चौहान का, किसको लेकर, पिछली को, ठीक है। भीमदेव द्वितीय चालुक्य ने आबू के युद्ध में आबू या अहिरवाड़ा के युद्ध में गौरी को पराजित किया। अब देखो आप थोड़ा सा आप समझो, यहाँ पे जो भी मैंने लाइन पढ़ी ना इसमें तीन व्यक्ति सीन के अंदर है, एक गजनी का सेनापति मोहम्मद गौरी है, मतलब गजनी प्रांत का मोहम्मद गौरी, दूसरा पृथ्वीराज चौहान और तीसरा गुजरात, है कि नहीं है। ये वही गुजरात है जो कभी विग्रह राज या विशल देव का बहुत अच्छा मित्र राज्य था, है कि नहीं है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान पे अपन ने जैसे देखा कि मात्र एक छोटे से इशू के लिए पृथ्वीराज चौहान ने इसको अपना दुश्मन बनाया कि नहीं बनाया भाई। यही कभी जैसे सिद्ध राज था तो विग्रह राज विशल देव से कितने अच्छे संबंध इसके थे, लेकिन भीमदेव सेकंड और पृथ्वीराज चौहान के बिल्कुल भी मधुर संबंध नहीं, है ना। तो अब इसी दो की लड़ाई के अंदर हमेशा फायदा कौन उठाता है, तीसरा फायदा। तो मोहम्मद गौरी ने चालुक्य नरेश गुजरात के भीमदेव सेकंड को भी पराजित किया और पृथ्वीराज चौहान को भी पराजित किया। अगर ये दोनों एक होते कौन गुजरात और अजमेर, तो शायद मोहम्मद गौरी को इतनी आसानी नहीं होती दोनों को हराने, क्योंकि एकता में क्या होता है बल। तो सवाल यही आता है
कि तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के हारने के प्रमुख कारण क्या थे। तो प्रमुख कारण ये तो अपन गौरी देख रहे हैं, जैसे थोड़ी देर बाद अपन देखेंगे पूरे दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य का स्थापना हो जाएगी। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मतलब क्या है कि चौहानों का अंत भारत उत्तर भारत के अंदर हो चुका। तो सवाल यही आता है कि वो क्या तत्व थे जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक को जिन्होंने मदद करी दिल्ली सल्तनत बनाने में, या जिनसे पृथ्वीराज या चौहान वंश का खात्मा हुआ उत्तर भारत में। तो आपसी मतलब जो पड़ोसी राज्य थे ना उनमें आपसी हो। तो ये सब जितने भी मुस्लिम आक्रांता थे ये अच्छी तरह जानते थे इस चीज को कि भारत जैसे देश के अंदर एकता बिल्कुल भी, या सब में अपने अपने डबला अपना अपना राज। ठीक है, अभी जैसे आएगा ये पृथ्वीराज चौहान जिसे मैं रूल कर रहे हैं ना, तो इससे थोड़ा सा पहले मोहम्मद गजनी आगे चला गया। इसके साथ एक वेल नोन इतिहासकार था जिसका नाम है क्या, अलबरूनी। तो अलबरूनी किताब लिखी है तारीख हिंद, गजनी के नीचे लिखो अलबरूनी, अल बरूनी। मतलब गजनी को इतना आत्मविश्वास कहां से आया, या सॉरी मोहम्मद गोरी को इतना आत्मविश्वास कैसे आया कि अपन भारत चलेंगे और आराम से इनको निस्तनाबूद कर देंगे। कुछ तो उसने टेक्स्ट पढ़ा होगा। तो ये क्या होते थे, जितने भी ये अरबी आक्रांता थे ये अपने साथ वेल नोन हिस्टोरियंस रखा करते थे, क्योंकि इतिहास लेखन की जो परंपरा है ना ये अरबों से अपन ने सीखी है। इससे पहले भारत में कभी इतिहास नहीं लिखा जाता था, बस बखान लिखा जाता था का महाराजा गिरिराज खम्मा गणी ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इनके घोड़े इनके पास इतनी सेना। क्यों, क्या मेन भारत में जो इतिहास लिखते थे चारण और भाट लिखते थे, तो वो इियोलॉजी लिखते थे, प्रशस्ति लिखते थे, मतलब प्रशंसा में कि महाराज का ऐसा महाराज का वैसा इतनी महाराज प्रजा फिर का ध्यान रखते हैं ये वो, क्योंकि वो प्रशंसा करते थे और महाराज खुश हो गए और अपना जैसे वो हार उतारा और ले जाऊ। तो उसने देखा मैंने तो एक मिनट पोयम पढ़ी थी महाराज की प्रशंसा, तो एक हार मिला तो फिर वो जैसे और चरण बाट और आते, फिर उसने देखा और आज अच्छा मैं गुणगान करूंगा। तो जैसे पहले महाराजा दिराज बोला, अब अगले दिन जाऊंगा तो श्री 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 राठ महाराजा दिराज, तो महाराज और खुश हुए ये ले ये खड़े। तो अपने इतिहास नहीं लिखा गया, अपने क्या थे अपने प्रशस्तियां थी। और ये मुस्लिम आक्रांता थे ये एग्जैक्ट जैसा होता था ना, हारे तो हार लिखी जाती, कोई कमी होती तो कमी लिखी जाती। तो इतिहास क्या होता है, इतिहास में तो निष्पक्ष रूप से लिखा गया, अपन हारे तो आप स्वीकार करो अपन हारे। भाई नहीं तो मोहम्मद गोरी भी लिखवा सकता था कि मैं भी तराइन के प्रथम युद्ध में जीत कर आया। जैसे अपन जैसे देख रहे हैं अपना ये जो चित्तौड़ के अंदर विजय स्तंभ बना हुआ है, तो मालवा और मेवाड़ में युद्ध हुआ, उसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला है कि नहीं। इधर से मेवाड़ ने बोला कि जीते शासक, उधर से मालवा ने बोला जीते शासक। ऐसा ही हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन के साथ युद्ध हुआ, मतलब हर्षवर्धन का युद्ध हुआ अपने वातापी के चालुक्य से पुलकेशिन द्वितीय से। तो इधर तो हर्षवर्धन का दरबारी कभी बाण बट उसने बोला कि महाराजा दिराज तो जीते, और उधर एवल प्रशस्ति में रवि कीर्ति ने बोला कि नहीं पुलकेशिन द्वितीय तो जीता है, तो दोनों ही कैसे जीतेंगे मुझे बोला। फिर युद्ध क्यों बोला, तो कोई एक जीता कोई एक हारा, लेकिन वो एक निष्पक्ष रूप से नहीं लिखा गया। लेकिन ये जो मुस्लिम आक्रांताओं के इतिहास करते हैं, खास बात क्या थी, एग्जैक्ट चीज लिखते थे। तो भारत में इतिहास लिखने की परंपरा आई कहां से, इन मुस्लिमों ने, और कागज पे लिखेगा और बिल्कुल इम्पार्शियल रूप से, हार हार जीत जीत। तो ये गजनी का जो सेनापति था, मतलब इतिहासकार थे एक्चुअली, सेनापति नहीं था ये, था व्यक्ति अलबरूनी, बहुत इंपॉर्टेंट इतिहासकार हुआ, क्वेश्चन बहुत आते हैं। और इसकी जैसे जो किताब है वो किताब है तारीख ए हिंद, इसको तारीख ए हिंद भी बोलते हैं, तहकीक ए हिंद भी बोलते हैं, और या हिंदुस्तान का आम इतिहास भी बोलते हैं, तीनों चीज है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, और ये पहली एक हिस्टोरिकल व्यू के अंदर लिखी हुई मुस्लिम टेक्स्ट बुक है। ठीक है ना, इसी समय जैसे कलण में कलण हुआ, इसी समय पृथ्वीराज चौहान के समय कश्मीर के अंदर कलण ने राजतरंगिणी लिखी है, वो भी तुलनात्मक रूप से इम्पार्शियल रूप से लिखी हुई है। तो पहले जो ऐतिहासिक ग्रंथ है हिस्ट्री थे उनमें इनकी गणना होती है, अलबरूनी की और कलण की राजतरंगिणी की। इससे पहले जितने भी इतिहास लिखे हुए हैं, चाहे वो गुप्तों के मान लो, चाहे उनसे पहले मौर्यों के मान लो, वो सब क्या है, वो प्रशस्तियां हैं, वो इियोलॉजी, उनके अंदर आलोचना का तत्व तुलनात्मक रूप से कम, क्योंकि आलोचना करने का मतलब था इतिहासकार क्या सर कलम, समझ गए। तो अब ये जब अलबरूनी गजनी के साथ आया, तो जैसे गजनी ने 17 आक्रमण किए हैं कि नहीं किए हैं, सेकंड लास्ट आक्रमण था ये अपने सोमनाथ मंदिर पे, और लास्ट आक्रमण था खोकर एक प्रजाति थी पंजाब प्रांत में उसके अगेंस्ट में। तो जितना भी ये सारा इतिहास था ये अलबरूनी गजनी के साथ आया, उसने देखा और फिर अपने इसने किताब में लिखा। उस किताब में इसने क्या लिखा, इसको हिंदुस्तान का आम इतिहास बोलते हैं तारीख हिंद को, उस किताब में अलबरूनी क्या लिखता है कि भारत के राजा बहुत ही घमंडी हैं, उनका यह मानना है कि हमारे जैसा राजा पूरे विश्व में ही कहीं नहीं है,
और एक राजा शहर के लिए अगर निकलता है ना तो उसका दुश्मन राजा सामने पैदा आ जाता है शहर के लिए। शहर के लिए कैसे भाई, शहर का मतलब क्या होता है कि चलो ठीक है 15 टाइम में निकले, तो ज्यादा से ज्यादा आप 5 या 10 मिनट चलोगे, उतनी देर में आपके शत्रु साम्राज्य का राज्य चालू हो जाता। तो इसका मतलब कि पर्टिकुलर राजा का जो गढ़ है वो बहुत छोटा, मतलब एरिया जो बहुत छोटा है, उसके बाद दूसरे राजा का चालू हो जाता है, दूसरे राजा के बाद फिर तीसरे का चालू हो जाता है। कहने का मतलब भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटा है, और इनको हराना बहुत ही आसान। ये अलबरून जैसे इतिहासकार ने अपनी, मतलब भारत में जब विजिट किया ना 17 के 17 के 7 था गजनी के, तो इसने अपनी किताब में ये लिख दिया। और मोहम्मद गजनी का सेनापति था मोहम्मद गौरी, अब मोहम्मद गौरी का आपने किताब पढ़ दी तारीख हिंद, तो उसमें तारीख मतलब हिंदुस्तान का इतिहास, और फिर और बहुत कुछ लिखता है अलबरूनी। तो अलबरूनी ये लिखता है कि यहाँ पे जैसे जो सबसे प्रमुख जनजाति है, मतलब जैसे वर्ण व्यवस्था पे वो लिखता है कि वर्ण व्यवस्था में यूं है कि ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊपर, और ब्राह्मणों में ऐसा है कि ये ऐसा इनका मानना है कि हमारे जैसा ज्ञान विश्व में कहीं भी नहीं, और हमें जरूरत ही नहीं किसी और से बात करने की या ज्ञान लेने की। और लिखते हैं कि जैसे भारत का ब्राह्मण वर्ग बिल्कुल ऐसा है जैसे कुएं के अंदर एक मेंढक, कुब मंडूक सोच है, बाहरी जगत से कोई भी किसी भी तरह का कनेक्शन रखने की यह अभिलाषा नहीं रखता। क्षत्रिय वर्ग शोषण करने के अंदर रहता है और अपने अपना हित ये सोचते हैं, समझे, और वैश्य और शूद्र ये सेवा करते रहते हैं वैश्य दोनों की, और इतने ये ज्यादा दुखी हैं वैश्य और शूद्र वर्ग कि अगर कोई ब्राह्मण पुरोहित या क्षत्रिय राजा मरता है तो ये खुशी के अंदर खुशी के दिए जलाते हैं। कौन? बाकी दो वर्ण। तो आप सोचो भारतीय समाज के बारे में लिख रहा है कि जब कोई राजा मरता है या कोई क्षत्रिय ब्राह्मण पुरोहित या क्षत्रिय राजा मरता है तो इन बाकी दो वर्णों के अंदर किसी भी तरह की कोई दुख की भावना उत्पन्न नहीं होती, वो तो खुशी और मनाते हैं। तो देखो कितनी फ्रैक्चर्ड इंडियन सोसाइटी उस समय। और लिखते हैं कि हिंदुओं के अंदर जैसे सती प्रथा थी, छुआछूत प्रथा थी, मतलब बिल्कुल गर्त के अंदर हिंदू समाज उस समय, ये अलबरूनी ने लिखा है, मतलब जैसा देखा ना उसने वैसा लिखा। तो ये किताब पढ़ गई किसके हाथ में? मोहम्मद गौरी का। तो मोहम्मद गौरी का इनको हराना तो कुछ भी नहीं है, सारा अपन अलबरूनी जैसा इतिहासकार, उनको पता था अलबरूनी क्या चीज है, तो गलत नहीं लिखेगा है ना। वो अपने लिए इसीलिए रखते थे क्योंकि ये चीज अरबों ने यूनान से सीखी थी, जैसे अलेक्जेंडर था तो अपने साथ हिस्टोरियन रखा करता था, एरिस्टोटल, हेरोडोटस जो अपन पढ़ते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, वो अलेक्जेंडर की सेना के अंदर वेल नोन हिस्टोरियन हुआ। तो अलेक्जेंडर जहां भी जाता था तो जो भी उनको समाज दिखता था वो पेन डाउन करते थे, हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, जिससे कि अगला जो राजा बने उसको ये सहूलियत होगी यहाँ कैसा। ये चीज बाद में हिटलर ने देखी, तो मॉडर्न जो अपन ज्योग्राफी देखते हैं ये सारी जर्मनी की लिखी हुई है। आज जो भी अपन अक्षांश देशांतर देखते हैं ना, ये जो मैप स्टडी अपन करते हैं, मॉडर्न जो ऑक्सफोर्ड एटलस है, ये जर्मनी की देन है। तो हिटलर विश्व साम्राज्य बनना चाहता था नेपोलियन की तरह, तो उसने ये जैसे ये सारे नक्शे रियो बनवाए, कोपन का अपन विभाजन देखते हैं ना, कोपन का 11 वर्गीकरण जलवायु के, तो कोपन जर्मनी का मतलब जर्मन स्पॉन्सर्ड भूगोल वेदा था। तो कोई सेना जानी है तो पहले कोपन जाके देख के आता था कि हाँ वहाँ जलवायु कैसी है जिससे कि सेना नुकसान नहीं हो। एक सैनिक का मतलब है कि जैसे क्या ट्रेनिंग उसने ली हुई है, कितना खर्चा है, तो इसलिए पहले जलवायु को अपन जाने, ये भी अरबों ने सीख रखा था कि पहले कहीं भी अपन जाएंगे तो अपन पैन डाउन करेंगे उसको। तो गौरी ने पढ़ लिया अलबरूनी को, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है हराना। फिर तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर, और नो डाउट जैसे प्रेरित था किससे? अलबरूनी से। लेकिन थोड़ी सी कुछ जैसे अलबरूनी क्या है, अलबरूनी की आलोचना जैसे अपन पढ़ते हैं तो ये पश्चिमी राजस्थान के अंदर ही था, क्योंकि गजनी के ज्यादातर जो आक्रमण है ना ये पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी गुजरात के अंदर ही है। अलबरूनी अंदर तक नहीं आया, अंदर तक कहने का मतलब दिल्ली तरफ हो रही, क्योंकि गजनी का कोई आक्रमण नहीं है दिल्ली की बाउंड्री के ऊपर, क्योंकि दिल्ली तो उस समय बिल्कुल सुस्त अवस्था में था। पृथ्वीराज चौहान तो बाद में आया, और वो तो दिल्ली को तो फेमस पृथ्वीराज चौहान ने किया, ये संघर्ष होकर गैरवालों के बीच में, तब दुनिया ने जाना दिल्ली है, नहीं तो उससे पहले तो मंडोर अजमेर यही हुआ करते थे मेन गुजरपति आरोप जैसे देख ही चुके हैं। तो अलबरूनी ने सिर्फ पश्चिमी भारत ही देखा था, या यूं मान लो कि गजनी ने सिर्फ पश्चिमी भारत देखा था। तो अब गौरी को लड़ना था तो गौरी तो तुलनात्मक रूप से आगे आके लड़ा ना। आप देखो करनाल तराइन की स्थिति, करनाल हरियाणा में बिल्कुल पानीपत के पास के अंदर, तो तुलनात्मक रूप से भारत में अब अंदर घुसना, तो किसी के घर के अंदर खदेड़ना किसी को तुलनात्मक रूप से कलिष्ठ हो जाता है नहीं? तो लेकिन गौरी ने प्रेरणा पाई अलबरूनी से, और तराइन के प्रथम युद्ध में दोनों ही आमने सामने भिड़े, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। ठीक, अब क्या है, तो इसमें अपन ने जैसे देख ही लिया, ये जो ट्रायंगल जैसे आपने बना गुजरात से नहीं बनती, पृथ्वीराज चौहान अजमेर से नहीं बनती, और गौरी इस फूट का फायदा उठा रहा है, और गौरी को प्रेरणा कहां से मिल रही है? अलबरूनी के इतिहास से उसको प्रेरणा। हराना बहुत आसान है इनको,
ठीक है। फिर अपन क्या देखते हैं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय की महत्वाकांक्षाएं दोनों एक दूसरे को पास ले आई, मतलब लड़ाई के लिए माहौल तैयार। अब अपन देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 है ना, और नीचे देखो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 है ना। पहले के अंदर पहला है 1, दूसरे के अंदर दूसरा है 2। भाई पहले का मतलब प्रथम का मतलब प्रथम, और द्वितीय का मतलब द्वितीय, इकाई का जो है एक और दो, ऐसे भी उसको अपन को याद रखना है। और दोनों युद्धों के अंदर दोनों सेम है, दोनों पार्टी पृथ्वीराज चौहान वर्सेज मोहम्मद गौरी, लेकिन दोनों के जो परिणाम है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, प्रथम युद्ध तो पहले तो क्या तराइन की स्थिति क्या, करनाल हरियाणा के अंदर। सार्थक एटलस में अपन देख ही चुके हैं करनाल हरियाणा कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर हरियाणा लिखो इसके अंदर, उत्तर हरियाणा, उत्तरी हरियाणा में है करनाल, है ना, पानीपत से बिल्कुल पश्चिम में, वाइटलिस्ट में देखना है ना। फिर क्या है, 1191 में मोहम्मद गौरी ने तबर हिंद सरहिंद बठिंडा, ठीक है, बठिंडा अपन जैसे देख ही चुके तुलना तो उसे और पश्चिम में पंजाब के सेंटर पंजाब के अंदर है बठिंडा, दक्षिण की तरफ बठिंडा पर कब्जा कर वहां के किले को काजी जियाउद्दीन, ये क्वेश्चन आएगा, मिला हुआ है उस क्वेश्चन बैंक में, जियाउद्दीन को दिया। तो बठिंडा का किसको बनाया, जियाउद्दीन को। तो बठिंडा हुआ, अब जैसे बठिंडा का अपन जैसे देखो पंजाब में, ठीक है, पश्चिम में तुलना रूप से, अलबरूनी ने इसके बारे में लिखा था, मंडोर के बारे में लिखा था, लेकिन आज अपन को बठिंडा से और आगे आना है। बठिंडा और करनाल में देखो कितनी दूरी है, करीबन 600 मतलब 400 से 500 किलोमीटर की दूरी है बठिंडा और पानीपत तराइन के अंदर, और आगे अंदर मुख्य भूमि पे आना है गोरी को। तो बठिंडा का तो सूबेदार बना दिया काजी जियाउद्दीन को, काजी का मतलब होता है जो धर्म संबंधी जो व्याख्या करता है। बठिंडा को लेकर गोरी व पृथ्वीराज के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया, क्योंकि बठिंडा भी जैसे चौहानों के उत्तर में साम्राज्य की बिल्कुल सीमा पे तो आ ही रहा था, हो गया। तब तराइन के मैदान है ना, इसको सही कर लेना, ये मैं हर जगह दिक्कत हुई, जैसे अजमेर में बिंदु लगी हो, रिप्लेस होने से हो गया। मैदान में 1191 को गोरी व पृथ्वीराज के मध्य युद्ध हुआ, यह तराइन का कौन सा युद्ध था, प्रथम युद्ध कहलाता है। इस युद्ध में किसकी विजय हुई, पृथ्वीराज चौहान की, और हारा कौन, मोहम्मद गौरी। तो लिखा हुआ मोहम्मद गौरी की पराजय हुई, तो सीधी सी बात है, एक हारा तो दूसरा जीता होगा, कौन, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंद राज है ना, इसको इंपॉर्टेंट करो, क्योंकि ये जो गोविंद राज है ना, ये बाद में शासक बनेगा रणथंभौर का, संस्थापक इल्तुतमिश के समय। गोविंद राज के ऊपर लिख लो, इसमें दो चीज जानने वाली है, एक तो ये पुत्र ही है, ये भाई नहीं है पृथ्वीराज चौहान का, है ना, तो पुत्र पे गोला लगाओ और फिर डैश करके लिखो रणथंभौर। हरिराज है जैसे इसका भाई, तो पृथ्वीराज चौहान का जो इसके बाद शासक बनेगा, है ना। तो अब रणथंभौर की स्थापना किसने करी, गोविंद राज ने करी, और गोविंद राज और पृथ्वीराज चौहान का क्या संबंध है, पुत्र, और रणथंभौर के ब्रैकेट में जो इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने जैसे चौहानों में फूट डालने के लिए गोविंद राज को बना दिया था रणथंभौर का स्वतंत्र शासक चौहानों से अलग करके, जैसे नाडोल है, नाडोल अलग हो जाएंगे, रणथंभौर अब चौहानों से अलग हो जाएगा, अभी तक रणथंभौर चौहान टेरिटरी का हिस्सा है पूरा। क्या करो पूछो, सुल्तान जो बनाएगा ना इसको, मतलब शासक जो बनाएगा रणथंभौर का, वो इल्तुतमिश, गोविंद राज को स्वतंत्र शासक रणथंभौर का इल्तुतमिश, ठीक है। गोविंद राज क्या, इसी पृथ्वीराज के पुत्र गोविंद राज ने गोरी को हराने में निर्णायक भूमिका निभाई, ठीक है। विजय के जोश में पृथ्वीराज चौहान ने, कर दो है ना ये, पृथ्वीराज चौहान ने भागती हुई तुर्की सेना का पीछा नहीं किया, है ना, तुर्की देखो शब्द आ रहा है, अरबी नहीं है अभी, तुर्की सेना का पीछा नहीं किया, यद्यपि अनेक इतिहासकार इसे पृथ्वीराज चौहान की उदारता मानते हैं, परंतु ये उसकी क्या थी, महान भूल थी, है ना। देखो क्या था, जैसे एक ही क्वेश्चन आता है अपने मेन के अंदर भी आता है, मपरी में भी आता है, कि चौहानों के पतन के प्रमुख कारण क्या क्या थे, तो एक तो अपने जैसे देख लिया फूट, ठीक है, एक जैसे अपन देखते हैं कि जैसे संयोगिता, इचनी, जैसे छोटे छोटे इशू हैं इनके, इन इशुओं को लेके कटुता पड़ोसी राज्यों के अंदर, फिर जैसे एक क्षति प्रथा वगैरह जो अपन जैसे देखते हैं, बिल्कुल एक खोखला समाज था, और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अपन देखते हैं इनका युद्ध कौशल, है ना, युद्ध कौशल, कि जैसे ये एक वॉरियर क्लास मतलब युद्ध प्रजाति होने के कारण, युद्ध प्रिय प्रजाति होने के कारण क्या था ये, कि अपन वीरता को प्राप्त हो, वीरता को मतलब जैसे एक बहादुरी से अपन लड़े और आमने सामने अपन लड़ाई करें, मतलब कहने का मतलब किसी के पीठ के अंदर अपन को छुरा नहीं घोंपना, समझ गए, बिल्कुल आमने सामने लड़ेंगे और सर कलम कराने के अंदर ये विश्वास करते थे, मतलब लड़ते लड़ते मर जाएं वो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अपन को पीठ दिखा के भागना नहीं है, ना, मरना मंजूर है लेकिन अपन हारेंगे नहीं,
या पीठ दिखा के भागेंगे या अपना सर कलम करवा लेंगे। तो ये तो था इनका ऐसा मानना। और उधर सामने थे तुर्की सेना, उसका ये मानना था कि पहले तो लड़ना है, अगर जैसे हारते हो अपन दिखे ना तो भाग लेना है, समझ रहे हो। और अगर कोई अपन को दिख रहा है कि जिसको कोई भागती हुई सेना जैसे सामने दिख रही है तो उनके पीठ पे भी हमला कर देना और सिर नहीं कटाना है किसी भी आदमी, क्योंकि सिर कटाने का मतलब है कि आपका जीवन ही खत्म हो गया। अब आप गजनी से लड़ने आए हो यहाँ पे कहा हिंदुस्तान में, तो एक एक सैनिक इंपॉर्टेंट है, कितने दूर से आए है कि नहीं। और सैनिक को इतनी आसानी से सैनिक नहीं बनाया जा सकता किसी भी व्यक्ति को, है कि नहीं। बहुत अच्छा उसको ट्रेनिंग देना होता है, तो उसकी लागत वो अरबी सेना समझती थी। हारने लग रहे हो ना, जैसे दिख जाए हारने लगे सेनापति मर गए मैदान से भाग जाओ, ऐसा जबकि चौहानों के अंदर नहीं था कि अपन तो सर कलम करा लेंगे वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं और किसी दूसरे दुश्मन को पीठ पे हमला अपन किसी के नहीं करेंगे। तो देखो दोनों की सोच में बिल्कुल अंतर, और इसी का एक को फायदा और एक को नुकसान। वो कहने में देखो अपन को बहुत अच्छी लगती है सर कि चलो हिम्मत तो दिखाई वो दिखाई, मैं मना नहीं कर रहा उस हिम्मत के लिए, इतिहास अपने सामने देख लो ना फिर हुआ क्या है। ये मराठाओं के अंदर था, मराठाओं को लगता था कि जैसे अपन हारने वाले तो पीछे हट जाओ, और इसी को कहते हैं अपन गुरिल्ला युद्ध पद्धति, छुप के वार करना है, जैसे आने लगे वापस हो जाओ, मरना नहीं है, कोई बहादुरी नहीं दिखानी अपन को, सर कलम करा लो ये अपन हारे सही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे अपन बचे रहेंगे और फिर वापस तैयार होके आएंगे ना, और तैयारी करके आएंगे फिर लड़ेंगे इनसे वापस, क्या ऐसा यही होगा। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान की चलो वीरता से लड़ा जीता, लेकिन तुर्की सेना को भागती को अगर पूरा परास्त कर देते तो गौरी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाता दूसरे हमले की। ठीक है, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, तो क्या हुआ, मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध की पराजय से काफी दुखी हुआ, वह एक वर्ष तक सैनिक इकट्ठे करने व आक्रमण की तैयारी करने में जुटा रहा, और आखिर में लाहौर और मुल्तान, जैसे लाहौर अपन देख ही चुके हैं अभी ये रास्ता किधर है समझ में आना चाहिए अपन को, लाहौर इस्लामाबाद है नहीं, मतलब सबसे ऊपर पेशावर फिर इस्लामाबाद देन लाहौर फिर मुल्तान फिर बठिंडा आ जाएगा पंजाब में, मुल्तान के मार के हुए वापस उसी मैदान में आ पहुंचा जहां उसने 91 के अंदर करारी हार मिली थी। एक्चुअली क्या हुआ, जब ये फर्स्ट युद्ध हुआ तो अच्छे अच्छे सेनापति मोहम्मद गोरी के पास थे, मतलब अरबी सेना वेल नोन घोड़ों के लिए जानी जाती थी, तो अच्छे अच्छे धनुर्धर इसके पास थे, अरबी धनुर्धर धनुष वाले, फिर भी गौरी जैसे हार गया तो गौरी ने जाते ही सबसे पहले सुसाइड कर सकता था आराम से, नहीं कर सकता था आप खुद ही सोचो, जैसे अपने लाहौर का शासक हुआ ही है जयचंदी वेल नोन, अपने इधर पेशावर के साइड का हिंदू शासक, तो गजनी ने पहले करीबन इससे 300 साल पहले गजनी ने उसको हराया था जयचंद, जैसे ये जयचंद घेड़वाल हुआ वैसे जयचंद शासक हुआ है लाहौर का, तो उसने गजनी से हार के कारण सुसाइड कर लिया था 1009 ईस्वी के आसपास, तो सुसाइड करना तो बहुत आसान है, तो जैसे लाहौर के शासक जयचंद ने किया था ऐसे ये भी कर लेता मोहम्मद गौरी भी कि मैं हार के आ गया अब क्या मुंह दिखाऊंगा, समझ गए। लेकिन हारना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हार के आकर अपने घर में बैठ के उसने एनालिसिस किया कि ऐसा क्या कारण था, समझो अपनी कमी को पहचाना कि वेल नोन मेरे पास घुड़सवार सेना अच्छे धुनरधर फिर भी मैं हार गया क्यों हारा, तो उसने अपने वेल नोन कमांडर बुलाए, जबकि वो कमांडरों का सर भी कलम कर सकता था कि तुम किसी काम के नहीं हो तुम मेरे को हरा दिया, मार सकता था ना जैसे हिंदू शासक मारते थे अपने सेनापतियों को कि तुम हार के आ गए भाग जाओ, राणा सांगा को मारा कि नहीं मारा, अपन ने घर में घुसने नहीं दिया। आज जैसे अपन ये देखते हैं अपने बांदीकुई के पास है बसवा, तो बसवा के पास ही इनको मार देगा, वही क्षत्रिय बनी हुई सांगा की, तो ऐसे ही वही गौरी का भी हो सकता था कि नहीं गौरी को घुसने नहीं दिया जाएगा गंदी प्रांत में, नहीं ऐसा नहीं, फिर ये आए और आके पूरा इन्होंने एनालिसिस किया कि क्या कारण था इतने अच्छे घोड़े, तो निष्कर्ष ये निकल के आया कि नो डाउट इनके पास बहुत अच्छे घोड़े थे लेकिन पृथ्वीराज चौहान के पास हाथी थे, गज सेना अपनी थी वो अश्व सेना थी, गज सेना में हाथी होते हैं और उधर अश्वरोही के अंदर हाथी घोड़े होते हैं, तो उन्होंने क्या पाया कि जैसे इसके जो घोड़े थे मोहम्मद गोरी के उसने हाथी सबसे पहले देखे थे, इससे पहले कभी उन्होंने हाथी नहीं देखे घोड़ों ने, तो घोड़े में ये खास बात होती है कि एक बार जैसे वो स्टैंड स्टिल हो गया तो कुछ भी हो जाए वो अपना आगे कदम नहीं खिसका। ठीक है, तो अरबी सेना के अंदर एक तो घोड़े थे और दूसरे धनुर्धर थे तीर बाण चलाने वाले, तो अब धनुर्धर का क्या फायदा होता है कि घोड़ा स्पीड में चलता है और स्पीड में चलता चलता वो धनुर्धर बैठे बैठे वो निशाना लगा लेता है, ये फायदा होता है। अब क्या हुआ, जब घोड़े ने मूवमेंट ही बंद कर दिया तो वो धनुर्धर भी किसी काम का नहीं रहा। अब क्या होता है, जैसे सामने से हाथी आया तो हाथी के ऊपर से कोई भाला फेंक के मारता है, तो चूंकि फिर घोड़े के कारण मूवमेंट बंद हो गया तो इसलिए उसके वेल नोन सेनापति गौरी के मारे, सेनापति के अंदर कमी नहीं थी, कमी कहां नजर आई, घोड़े के अंदर।
कि घोड़े इस, और घोड़ों में भी कमी नहीं थे, अरबी घोड़े आज भी वेल नोन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, मतलब उनकी नॉर्मल हाइट होती है 11 फुट, ठीक है। जैसे अभी अपन जैसे माने ये जैसे जो हाइट है ना, ये है करीबन 6 फुट, अब नॉर्मल हाइट देख लो 11 फुट क्या होगी इतने, और आपको देखने घोड़े कैसे दिखते हो, तो अपने राष्ट्रपति अंगरक्षक जैसे देखते ना, मतलब हॉर्स आर्ड ब्रिगेड अपने पास है जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक है, वो है अरबी घोड़े। और मतलब आज भी इसके जैसे पोलो गेम होता है या जैसे अपन आर्मी के अंदर जैसे यूज आते हैं, ये सारे आज भी अरबी घोड़े हैं जो अपन अरब देशों से आयात करते हैं, खासतौर पर इराक से और एक सऊदी अरब से, यानी क्योंकि जैसे इनके अंदर ये ब्रीड है ऐसी। हालांकि जैसे अपन भी यहाँ जैसे अपने मालानी के अंदर, बाड़मेर के अंदर है ब्रीडिंग सेंटर, लेकिन फिर भी वो पैदा नहीं हो पाते जो उस जलवायु के अंदर, ठीक है। तो घोड़े भी बहुत अच्छे, तो अब इन्होंने क्या देखा, घोड़ों को अपन मार तो सकते नहीं है। फिर क्या हुआ, जैसे ये अपना जो लाहौर पेशावर के आसपास है ना, यहाँ पे अपन एक पर्वत आते हैं और सिंध के प्रांत में जिसको अपन नमक के पर्वत बोलते हैं, साल्ट माउंटेन सिंध के अंदर सबसे ज्यादा ही है। ये कैसे, जैसे आपने सुना होगा जैसे नमक होता है सेंधा नमक जिसको अपन बोलते हैं, पिंक कलर का होता है वो नमक होता है तुलनात्मक रूप से, मतलब चट्टान है वो एक तरह से सेंधा नमक। कभी आपने तो पिसावा देखा कि वो देखेंगे, कभी दुकान पे आप जब मांगो तो वो आपको मिस्र की तरह वो छोटा सा एक पत्थर नुमा आकृति उठा के दे देते हैं, तो पत्थर ही होता है, जैसे मुल्तानी मिट्टी होती है, मुल्तान से आती है ये सेंधा नमक। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सिंध में इसके पहाड़ है, ठीक है। तो वो पहाड़ के टुकड़े तोड़ के अपन को देते, अपन उसको पीस के क्रश करके नमक बनाते। तो क्या हुआ, मोहम्मद गोरी ने ये नमक के पर्वतों से बड़ी बड़ी चट्टान निकाली और उनको हाथी के रूप में तराश दिया उन नमक को। और फिर क्या किया भाई, हाथी तो ला ही नहीं सकते थे, लेकिन उन चट्टानों का भाई नमक को तराशना उसको आसान भी है, मुलायम चट्टान है सिंध का पत्थर। और फिर अपने घोड़ों को उसने ट्रेन किया उन हाथियों के बीच में कि अब डरना नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही वो स्टैंड स्टिल हुआ करते थे हाथी, तो घोड़ों को वैसे भी कॉन्फिडेंस आ गया कि भीम का है जैसे देखकर, और फिर घोड़े बिल्कुल अंदर तक घुस जाते गज सेना के अंदर। तो ऐसे सारी ट्रेनिंग गोरी ने दी सेनापतियों को, बोला कोई ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटी सी कमी ये थी अपने स्वाप में। लेकिन कमी कैसे पता चली, पहले उसको स्टडी किया है कि नहीं, ज्यादा गुस्से में नहीं आया ना, डिप्रेशन में आए, तो सुसाइड वगैरह करना तो बहुत आसान बात थी, सैनिकों के सिर कलम करना बहुत आसान बात थी, सबसे बड़ी चीज तो क्या होती, गलती को पहचानना। तो अपन भी जैसे कभी एग्जाम में फेल हो रहे हैं तो अपन को तराइन का प्रथम युद्ध ये शिक्षा देता है ना, क्या शिक्षा देता है, गलती को अपन को पहचानना है, जैसे गौरी ने किया। और वही गौरी था, वही सेना थी, वही घोड़े थे, वही मैदान था, और ज्यादा समय भी नहीं था, कोई 10 साल नहीं है, कितना समय, सिर्फ एक साल। तो एक साल बाद आया वापस और फिर इतिहास लिख दिया है कि नहीं। तो ये चीज मतलब उनके अंदर डू एंड डाई की स्पिरिट थी, क्योंकि क्या है, गौरी को अच्छी तरह पता था अपने घर में भैया अपना कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि वहां अपने आप में और भी जैसे जैसे तुर्क आए, ऐसे अपन जैसे जैसे कुर्दी कजाकिस्तान देखते हैं, तो कजाक जैसे ट्राइब है वो वहां धीरे धीरे सिर उठा रही थी, मंगोलिया इधर मंगोलिया की तरफ सिर उठा रहे थे, और इनके घर में सन्नाटा था, कुछ भी नहीं। आज भी अफगानिस्तान में खेती वेती व्यापार कुछ भी नहीं है, सिर्फ अर्थव्यवस्था चलती है वो अफीम के पीछे, जैसे ईरान तेल के पीछे ऐसे अफगानिस्तान अफीम के पीछे, ठीक है। और पाकिस्तान जैसे उस समय पैसे कमाता था इस सिंधु नदी से जो व्यापार होता था, उससे पारगमन व्यापार जो होता था हिंदुस्तान और अफगानिस्तान में, उसमें टैक्स वसूलता था पाकिस्तान जैसे देश, उससे उनकी अर्थव्यवस्था चलती थी। तो गौरी तो अच्छी तरह जानता था अपन वापस हार के गए ना, तो अपना तो वो एक तरह से जीवन ही किसी काम का नहीं है, और वहां मरने समान है, क्यों गरीबी के अंदर वहां जिएंगे। तो इसलिए अपन को हिंदुस्तान को जीतना बहुत जरूरी है, तभी तो कमी पहचानी उसने, नहीं तो कुछ नहीं जाके बैठ जाता वो वहां पे, खोल लेता है किराने की दुकान छोटी सी, ठीक है मैं तो इस्तीफा दे दिया सेनापति से, भारत नहीं जाऊंगा कभी, बहुत आसान था वो तो, लेकिन कुछ भी नहीं किया वैसा का वैसा, क्योंकि डू एंड डाई। जैसे टॉम एंड जेरी आपने जैसे देखा होगा, तो वो बिल्ली हमेशा भागती रहती है पीछे, और कभी उस वे को नहीं पकड़ पाई, एपिसोड बना ही नहीं हुआ तो ऐसा, क्यों नहीं पकड़ पाई, क्योंकि बिल्ली तो किस लिए भाग रही है, पेट भरने के लिए, और चूहा किस लिए भाग रहा है, अपनी जान में। तो यही मोहम्मद गौरी के साथ था बिल्कुल, चौहान तो ठीक है युद्ध कौशल था इसलिए लड़ रहा था, और गौरी जीवन मरण का प्रश्न था उसके सामने, तो इसलिए फिर वापस एक साल बाद आया। फिर देखो तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 मोहम्मद गौरी तराइन के प्रथम युद्ध की पराजय से काफी दुखी हुआ, ठीक है, लेकिन अंतिम हार नहीं मानी। वह एक वर्ष तक, ज्यादा वर्ष नहीं लगा, कई बार ये आ जाता है तराइन के दो युद्धों के अंदर कितना अंतराल है, एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष, तो कितना है, एक वर्ष, ठीक है। एक वर्ष से में तक सैनिक इकट्ठे करने और आक्रमण की तैयारी करने में जुट गया। अब इस तैयारी को आप समझ गए ना, क्या तैयारी थी, वो घोड़े, वो नमक के हाथी, तैयारी के ऊपर लिखो नमक के हाथी, और नमक के अंदर लिखो सेंधा नमक सिंध प्रांत। तो ये तैयारी थी मेन उसकी, ऐसा नहीं था कि तलवारों के धार लगा रहा है, नो, मतलब सेंधे नमक से हाथी बनाए,
सिंध सिंध प्रांत में, और फिर उसे ट्रेनिंग दिलवाई। तैयारी में जुटा रहा और आखिर में लाहौर और मुल्तान के मार्ग से होते वापस उसी मैदान में आ पहुंचा, है ना। देखो तो लाहौर और मुल्तान मार्ग जैसे अपन जैसे देखते हैं तो राजस्थान, जैसे अपन को जोधपुर की स्थिति पता है कहाँ है राजस्थान में, गंगानगर हनुमानगढ़ पता है, और ऊपर इधर से नहीं घुस सकता था जोधपुर की तरफ से अजमेर, क्योंकि तो चौहानों का गढ़ है। तो ऊपर से जैसे बठिंडा का अपन ने देखा है, काजी को अभी अपन ने बना रखा है वहां सुविधा, तो ऊपर से पंजाब से होते हुए ये करनाल के अंदर वे घर में होते हुए कैसे चले जाएंगे, संभव ही नहीं है। चौहान के गढ़ में से अजमेर होते हुए नहीं जा सकते। तो लाहौर और मुल्तान के मार्ग होते हुए वापस उसी मैदान में आ पहुंचा जहां 1100 की क्रांति हार मिली। फिर क्या है, इसमें आगे डैश करके लिख लो ना वो लाइन, इसके अंदर मिस हो गई कि इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की करारी हार हुई द्वित्य के अंदर, यही आगे लिख लो ना मिली थी, है ना द्वित्य, इसमें आगे लिख लो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की करारी हार हुई। इसमें आगे लाइन जो लिखी हुई ना वहां, क्योंकि एक लाइन मिस हो गई, फिर इससे आगे की चीज आ रही है, ये है ना, पृथ्वीराज चौहान की करारी हार हुई द्वितीय तराइन के युद्ध में। ओके ठीक है, फिर आगे लाइन देखो, पृथ्वीराज रासो, अब ब्रैकेट में ऐसे लिखना अपन को, है ना, चंद्रवर्ती, देखो पृथ्वी को रास आया क्या, सूर्य नहीं वो चंद्रमा, चंद्रग्रहण। ऐसे हमीर रासो, हमीर को क्या रास आया, जोधपुर, हमीर महाकाव्य नयनचंद्र। ऐसे जितनी बार है इसको रिवीजन नीचे डेस्क करके लिख लिया करो, हमीर हमीर महाकाव्य हमीर रासो। चंद्रवर्ती के अनुसार गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बनाकर अपने साथ कहां ले गया, गजनी ले गया, है ना, कहीं नहीं ले गया, आप सोचो कन्नौज ले गया, गुजरात ले गया, मुल्तान ले गया, कहां ले गया, गजनी, वही अफगानिस्तान। पृथ्वीराज गौरी के दरबार में पहुंचा तो गौरी कर लो ना इसको, तो गौरी ने उसको अपनी निगाहें नीचे झुकाने के लिए कहा। पृथ्वीराज ने चौहान ने नीचे निगाहें नीचे नहीं झुकाई तो गौरी ने उसकी आंखें फुड़वा दी, ठीक है ना, इसको हाईलाइट करो, आंखें फुड़वा दी, कोई हत्या होता है कुछ भी नहीं करवाई, आंखें फुड़वा दी। और ये क्या होता है, ये राजनीतिक हत्या का एक प्रकार होता है ना, जैसे पॉलिटिकल, अगर जैसे कई बार हुआ हिंदुस्तान में भी, और जैसे अपन जैसे देखते हैं ये बाद के अंदर, जैसे अफगान आक्रमण होंगे तो परवर्ती जैसे जो मुगल शासक थे उनकी आंखें अफगान सुल्तान अफगान सैनिक तो ही फोड़ के चले जाते थे, तो हत्या नहीं करते थे उनकी वो शासकों की, तो ये राजनीतिक हत्या के समान होता था कि हत्या नहीं करी लेकिन अंधा कर दिया, आज से वो शासन ही नहीं चला पाएगा किसी काम का। तो अपन पढ़ेंगे मुगलों के अंदर भी कॉन्सेप्ट आएगा, आंखें फुड़वा दी, ठीक है। फिर क्या, उसी समय पृथ्वीराज चौहान का दोस्त चंद्रवर्दी वही रासो फकीर के वेश में, फकीर पे गोला लगाओ, फकीर के वेश में अपने दोस्त से मिलने कहाँ आया, गजनी आया, है ना। गौरी जो था वो गजनी प्रांत का सेनापति था, ये गौरी जैसे जो प्रांत है ये बाद में बना, 2003 के अंदर बना गौरी प्रांत, गजनी प्रांत पहले से वेल नोन। गजनी आया, उसे यह पता चला तो वह काफी दुखी हुआ। चंद्रवर्ती गौरी के पास पहुंचा और उसे कहा कि पृथ्वीराज शब्द वेदी बाण, गोला लगाओ उस पर। ये शब्द वेदी बाण क्या होते हैं, ऐसा नहीं कि प्रवचन देना, शब्द वेदीवाण ये होते हैं, जैसे देखो मेरे को, देखो सामने वहां, जैसे मान लो टारगेट लगाना है, वहां मेरे हाथ में धनुष बाण है और वहां टारगेट लगाना है, तो इनको क्या हुआ कि जैसे मैं वो टारगेट दिख रहा और मैंने पूरा कंसंट्रेशन से वो टारगेट लगाया। अब लेकिन चूंकि जैसे एक तो हुनर ये होता है, कईयों के अंदर ये हुनर होता है कि आपको लोकेशन बताई जाएगी, है ना, जैसे आग के ऊपर बांध दिया, बैंड बांध दिया और आपको लोकेशन बताई गई कि ऐसे ऐसे है, तो जो शब्द भेदी बाण है ना, तो क्या है, जैसे शब्दों के माध्यम से आपको इशारा किया गया इतनी दूर है, ये लोकेशन है, और फिर वो आपने टारगेट एग्जैक्ट लगाया। तो ये है शब्द भेदी बाण, कि शब्दों से इशारा मिला लोकेशन कहाँ है और फिर अपन ने टारगेट उसको, है ना। तो शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण है, ठीक, अतः मतलब ऐसा चंद्रवर्धन ने कहा गौरी को, निपुण है, अतः आप उससे शब्द भेदी बाण चलाने का तमाशा देंगे, वही शब्द भेदी बाण की बताया गया कि ऐसे ऐसे निशाना लगाना है, ठीक है। तो गौरी ने चंद्रवर्धे से कहा कि वह मेरा कहा नहीं मानेगा, तो चंद्रवर्धे ने कहा कि वह उसे तैयार कर लेगा, है ना। चंद्रवर्धे ने तो गौरी को यह बोला कि आप कोई क्ल्यू दो पृथ्वीराज चौहान को जिससे वो तीर चला के दिखाए, तमाशा आप देखो। तो गौरी ने बोला कि मेरे कहने से पृथ्वीराज चौहान नहीं चलाएगा, क्योंकि वॉरियर है, निगाहें नीचे करने के लिए कहा वो ही नहीं किया, तो तीर चलाना तो बहुत बड़ी बात है। तो गौरी ने चंद्रवर्धे को बोला कि फकीर तुम ही इसको बोलो जिससे कि मैं ये हुनर देख सकूं पृथ्वीराज चौहान का। तो फिर चंद्रवर्धन ने जैसे कोड में क्या बताया, चंद्रवर्धन व पृथ्वीराज को, है ना, इसको को कर दो, है ना, को मिलाया गया, को कर दो, चंद्रवर्धन व पृथ्वीराज चौहान को मिलाया गया। पृथ्वीराज फकीर की वेशधारी अपने दोस्त चंद्रवर्धन की उसकी आवाज सुनकर पहचान गया, गोला लगा लो आवाज देख के तो पहचान ही नहीं सकता था, राजनीतिक हत्या करवा दी थी, अंधा करवा दिया, और शब्द वेदी बाण चलाने के लिए तैयार हो गया, है ना। चौहान जैसे आवाज से पहचान गया भाई, आवाज से जब टारगेट का पता लगा सकता था तो व्यक्ति को पहचाना तो बहुत ही आसान था उनके लिए,
फिर क्या दरबार लगाया गया जिसमें, है ना, दरबार लगाया गया जिसमें चंद्रवर्धन ने एक दोहा बोला। दोहा क्या था, चार बांस, है ना, चार के ऊपर गोला लगाओ, चार बांस, 24 गज, अष्ट अंगुल प्रमाण, है ना, ये तीन चीजें हैं इसके अंदर। चार तो बांस है, 24 गज है और अष्ट अंगुल है। प्रमाण का मतलब होता है ये आधार है, है ना, चार बांस, 24 गज, अष्ट अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान, ठीक है। तो देखो ये जैसे चार बांस लिखा हुआ है ना, तो एक बांस होता है जैसे ये मेजरमेंट की इकाई हुई रही हुई है लास्ट तक, मतलब जब तक जरीब नहीं आया था तब तक ये बांस ही चलता था। और एक जो यूनिफॉर्म बांस की जैसे जो अपन लंबाई जैसे नापते हैं वो थी 5 फीट, तो इसको कर दो 5 गुणा, मतलब 4 गुणा 5 तो जाएगा 20 फीट, मतलब एक बांस अपन 5 फुट का माने और चार बांस है ना, तो कितनी दूरी हो गई, 20 फीट, ठीक है। फिर अपन देखते हैं गज, तो एक गज के अंदर ओने एवरेज होता है 3 फीट, मतलब एक गज इतना होता है यहां से, मतलब यहां से लेकर यहां तक ऐसे, तो ये एक गज है, तो 24 गज है, तो 24 को अपन 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 72 फीट, ये हो गया। और अष्ट अंगुल है ना, तो अंगुल जैसे ये होता है, जैसे एक अंगुल जैसे अपन ये नापते हैं फिलहाल, जैसे बोलते हैं ये अंगुल, तो ये करीबन 6 इंच होता है ये, तो ये अष्ट अंगुल हो गया, तो इसको अपन फिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 फिट हो गया, 4 फिट, ठीक है ना, मतलब 20 फिट, मतलब चार बांस हो जाएंगे 20 फिट, 24 गज हो जाएंगे तो 24 थी 72, और अष्ट अंगुल 4 फिट ये। तो जैसे आप इसको पूरा जैसे जोड़ोगे ना, जैसे 20 तो ये हो गया, 20 तो बांस हो गए, मतलब 20 फिट ये हो गया, 72 फिट ये हो गया और 4 ये हो गया, तो इसको आप जोड़ोगे तो ये करीबन 96 फिट के लगभग हो जाएगा, है ना, 20 फिट, 72 फिट और 4 फिट अष्ट अंगुल प्रमाण, तो आप टोटल कितना है ये 96 फिट, है ना, ऑन एवरेज। तो जैसे 96 फिट कितना होगा, जैसे आप यूं मान के चलो कि यहां से लेके वो पीछे वाली जैसे जो दीवार है ये करीबन 60 फिट है, तो इसका 1.5 गुना मान लो आप, इतना डिस्टेंस ये है ना। ये मैंने इसलिए बताया कोई जैसे एग्जाम में, पहले तो देखो जानने वाली चीज है, जैसे आपके अगर क्वेश्चन मिलेगा उसमें ये ऐसे किया हुआ है, जैसे प्रमाण जो है ना कैसे किया हुआ है, जैसे चार बांस निकालो उसमें लिखा हुआ है 24 बांस और 4 गज अष्ट अंगुल प्रमाण, तो आप बताओ सही प्रमाण कौन सा था, वो 4 बांस थे 24 गज थे या 24 बांस थे या 4 गज थे, क्या थे, 4 बांस। तो देखो इसको कैसे याद रखना, नीचे आप लिख लो 4 24 8, ऐसे इसको डैश करके लिख दो 4 24 8, नीचे लिख दो 4 24 8, कोई तारीख नहीं है ये, ऐसे ये मेजरमेंट है, 4 बांस 24 गज और 8 अंगुल, है ना, ये उस समय मतलब माप की इकाई हुआ करती थी, और इसको जैसे अपन फिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो करीबन 96 फिट के लगभग ये दूरी, है ना, दिमाग में खुलने तो चाहिए ना, चलो ये तो ठीक है 4 बांस 24 गज 8 अंगुल प्रमाण अपन समझ गए कितनी थी, तो इस दूरी का आप 1.5 गुना मान लो, तो इतनी दूरी के ऊपर, मतलब ता ऊपर सुल्तान की, इतनी दूरी के ऊपर सुल्तान कुर्सी लगा के वो बैठा हुआ, समझ गए। तो अब जैसे क्या था दिशा में, तो जैसे मान लो मैं आंख बंद कर दी गई, अब जैसे दिशा में पहले उसको तीरंदाज को खड़ा किया था कि इस दिशा में आपको लगाना है, और ऊपर ऊंचाई दूर है दूरी का, और दूरी का मतलब क्या होता है कि दूरी का मतलब जिससे जो पीछे अपन थ्रेड है प्रेजेंट था उसके अंदर वो उतना टेंशन आ सके, इसलिए वो दूरी बताई जाती है। नहीं तो मान लो जैसे मान लो काफी दूर पे है और अपन ने उसको खींचा ही नहीं रस्सी को पीछे, तो वो टेंशन ही नहीं आएगी, वहां तक हमला ही नहीं हो पाएगा उस तीर तक, तो तीर एक तो उस दूरी तक पहुंचे इसलिए दूरी बताना जरूरी होता। फिर दूसरा क्या कि उस दूरी को हिट भी करे लेकिन वो आर पार हो पाए उसके, तो इसलिए एग्जैक्ट दूरी का अंदाजा होना सब विधि भाण में पता होता जरूरी, और ये ऊंचाई नीचाई में नहीं होता, इतना पता होता है कि बिल्कुल सीधाई में और मैं उसी दिशा के अंदर मुंह करके खड़ा हुआ हूं, क्योंकि अंधे को फिर दिशा का तो पता लग ही नहीं सकता ना कि इसी दिशा के अंदर है, और दिशा का पता कैसे लग जाता है, जैसे बोलने वाला जैसे है तो यूं, जैसे जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको पता होता है कि जैसे अपन आवाज आ रही है तो किस दिशा से आ रही है, तो जैसे फकीर ने बोलना चालू किया तो पहले तो मुंह उस दिशा के अंदर घुमा लिया और अब पता है कि हाँ भाई मैं बिल्कुल सिधाई में टारगेट थे, दूरी का पता लगा उसी उतनी टेंशन में उस रस्सी के अंदर लाए और जैसे ही छोड़ा तो टारगेट थे। ये था कौन सा मान, शब्द वेदी, है ना, शब्द वेदी मारने में वो नहीं है कि जैसे डायलॉग होएगा वो उधर से कुछ बोलेगा आप सोचे कि एक वाद विवाद हो रहा है, नो, शब्द से आपको दूरी बता दी गई, अब शब्द भेदी बाण मतलब ऐसा बाण चलाएगा जो भेद आर पार उस टारगेट के, शब्द से अपन ने क्या बता दिया, दूरी बता दी कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल इतनी ये दूरी है, तो उससे आइडिया लग गया कि यहाँ पे 96 फिट। अब जैसे अपन को बता दिया जाए कि जैसे ये दूरी है ये करीबन 25 फुट की दूरी है, तो जैसे 25 फुट को दिमाग के अंदर आ गया कि हाँ भाई कितना अपन को टेंशन लेके आया, तो फिर जैसे कि वो उसके अंदर इतनी टेंशन आ जाए और वो हिट टारगेट पे प्रभावशाली प्रहार करे,
धनुष का मतलब क्या है कि प्रभावशाली प्रहार करे, ऐसा थोड़ी ना कि आके लगा और वो जैसे अपन बोलते हैं पटाखा फुस हो गया, ऐसे तीर फुस हो जाए, क्योंकि फिर मतलब ही नहीं रहा हमला करने का कोई ऐसे। तो ये है, ये प्रमाण था। तो है ना, मत चूके चौहान की मतलब तुम्हारे पास मौका बदला लेने का है। फिर पृथ्वीराज ने शब्द बेड़ी बाण के द्वारा गोरी को मार गिराया। उसके बाद चंद्रवर्दी अपने दोस्त पृथ्वीराज चौहान की कटार से हत्या कर स्वयं आत्महत्या कर। भाई अच्छी तरह पता था यहाँ से, मैं तो खुद ही फकीर के रूप में आया हूँ, तो यहाँ से निकलना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन बेहतर यही है, जैसे क्षत्रिय मानते थे कि सम्मानजनक मौत बहुत ज्यादा प्रशंसनीय है, तो सम्मानजनक मौत अपन घुट घुट के जैसे वहां मरते। भाई चाहता तो गोरी भी हत्या करवा ही सकता था, नहीं करवा सकता था क्या मतलब पृथ्वीराज चौहान की, लेकिन उसका यह मानना था कि ये हर दिन मरे, क्योंकि भाई जीतने में भी जैसे काफी इनको जोर आया था, पहले हरा चुके थे, तो इस कारण से हर दिन मरे, इसलिए तो आंख फुड़वाई। और फिर जैसे चंद्रवरदेई दोनों क्षत्रिय है, तो भाई ठीक है, एक सम्मानजनक मौत मरे वो बहुत ज्यादा कि गुलामों की तरह जिंदगी अपन लंबी जी। तो हत्या चंद्रवरदेई ने करी, मोहम्मद गौरी ने नहीं, ये समझना आपने को इसके अंदर। पृथ्वीराज चौहान तिथि की क्षत्रिय आज कहां बनी हुई है, काबुल, मतलब काबुल, पहले काबुल प्रांत था, काबुल प्रांत के नीचे आज अपन गजनी प्रांत देखते हैं। इस काबुल को अब आप चाहे हटा दो, लिख लो इसमें गजनी, गजनी प्रांत में। और करीबन 3 महीने पहले भारत सरकार मतलब अपने राजस्थान सरकार की मतलब अनुशंसा पे भारत सरकार ने मांग करी कि ऐसे ये लौटाया जाए, मतलब वो कब्र है वहां पे, तो पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां यहाँ लाई जाए, किसी काम की नहीं हो, पहले तो गजनी में दफन नहीं है। अभी अपने पढ़ा था अजमेर दुर्ग अजयराज वहां स्मारक है, ठीक है, मैं बनी हुई है पृथ्वीराज स्मारक ही आ गया ना, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। कब्र नहीं है पृथ्वीराज चौहान, कब्र तो कहाँ है, गजनी। और कब्र इसलिए क्योंकि वो तो मुस्लिम शासक थे, वहां जलाने की परंपरा नहीं थी, वहां गाड़ने की थी, इसलिए गड़ा हुआ। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के प्रमुख कारण क्या था, गोरी की कुशल युद्ध। भाई चौहान तो प्रथम के अंदर कुशल नीति से नो डाउट जीत गया, लेकिन उनको निस्तनाबूद करके इस काबिल ही नहीं छोड़ता कि भाई वो जाके अपनी कमजोरी का या जो भी कमी थी उसको आकलन करे, लेकिन आकलन का मौका दिया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 भारतीय इतिहास का एक निर्णायक व परिवर्तनकारी युद्ध था। इसमें भारत में कैसा मुस्लिम, स्थाई मुस्लिम है ना, इससे पहले गजनी गौरी आए ये स्थाई नहीं थे, आए लूट के चले गए, आए लूट के चले गए, स्थाई मुस्लिम। स्थाई शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लिख लो दिल्ली सल्तनत, अब यहां से स्थापना हो जाएगी दिल्ली सल्तनत की, कुतुबुद्दीन ऐबक। स्थाई मुस्लिम साम्राज्य को प्रारंभ किया मोहम्मद गौरी, भारत में मुस्लिम साम्राज्य का क्या बना, संस्थापक बना। और धीरे धीरे कन्नौज, गुजरात एवं बिहार आदि क्षेत्रों को जीतकर कुछ ही वर्षों में उत्तरी भारत है ना, पूरे दोआब क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर लिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में विजित अपने क्षेत्रों का प्रशासन अपने गुलाम कौन, कुतुबुद्दीन, गुलाम पे गोला लगाओ और कुतुबुद्दीन पे गोला लगाओ। ये तुर्की नहीं थे ये, है ना, तुर्की तो मोहम्मद गौरी था तुर्की सेनापति, और ये क्या थे, कुतुबुद्दीन। गुलाम में लिख लो आप इथोपिया, जो अपन इथोपिया आज देखते हैं ना, बिल्कुल हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका है, अबिसिनिया, इसका पुराना नाम है इथोपिया का, अबिसिनिया, इथोपिया अफ्रीका, और अबिसिनिया ये पूरा प्रायद्वीप अबिसिनियन प्रायद्वीप कहलाता है, अबिसिनिया। तो यहां से गुलाम पकड़ के लेके आते थे यार, अफ्रीकी होते थे गुलाम, अरब भी नहीं होते थे गुलाम, अरबी तो सेनापति होते थे, घोड़े, घोड़े पे चढ़ के धनुष चलाना जानते थे, और गुलाम होते थे कौन, इथोपिया के अबिसिनिया। देखते ना अपन सऊदी अरब के कोने पे बाब अल मंडब, लाल सागर के पार अफ्रीका चालू हो जाता है, वही हॉर्न्स ऑफ अफ्रीका, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, जिबूती जिसको बोलते हैं। इस प्रकार भारत में कौन सी सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली तो इसलिए क्योंकि इसकी राजधानी थी, और सल्तनत इसलिए क्योंकि यहाँ का जो हेड होता था उसको सुल्तान बोलते थे, वो तुर्की का खलीफा था, उस खलीफा से वो अनुमति प्राप्त करता था और शासक के रूप में रूल पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई और गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम शासक बना, सुल्तान नहीं है ये, ठीक है ना, इसने सेनापति के रूप में ही किया, ये सुल्तान नहीं था, पहला सुल्तान इल्तुतमिश हुआ, उपाधि जिसकी सुल्तान थी। तथा शाकंभरी अजमेर के चौहानों की शक्ति नष्ट हो गई और अजमेर में मुस्लिम साम्राज्य की क्या पड़ी, नींव, समझ गए। तो अभी अपने कल अपन पढ़ रहे थे ना कि वही जो हरिकेल नाटक गिरिराज विशल देव, अभी तो संस्कृत पाठशाला थी, अब आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक और उसको किस्म कन्वर्ट कर देगा अपने, फिर आएगा पृथ्वीराज चौहान तिथि ने अजमेर, ने अजमेर में है ना, यूं कर दो, अजमेर में विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए पृथक रूप से कला साहित्य विभाग की स्थापना करी, जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पद्मनाभ। क्या आएगा क्वेश्चन, पद्मनाभ, पद्मनाभ,
पद्मनाभ डेक्कन से अलंत है, मैपुरा है, जो अक्सर आधे लिखे रहते हैं ना, जुड़े हुए रहते हैं, तो अपन को दिखता है वो आधा है जबकि वो पूरा होता है, और जो आधा दिखता है वो पूरा होता है, और जो पूरा दिखता है वो आधा है। जैसे पद्मनाभ में दह पूरा दिख रहा है ना, जबकि वाकई में दह आधा होता है, अपन उसको खोल के लिखते हैं जब, तो ऐसे भी लिख सकते हो दह के नीचे अलंत प द म नाभ पद्मनाभ। ठीक है, देखो जैसे ये विरुद्ध लिखते हैं अपन, वी रू ऐसे लिखा और दह दह ये लिखते हैं, तो इसमें अपन को यूं लग रहा है कि मूल रूप से जो अक्षर इसको खोल के लिखे तो दह आधा है, जबकि ऐसा नहीं होता, उल्टा चलता है। तो इसको अपन कैसे लिखते हैं सही रूप में, जैसे वी रू ये सही, तो ये भी विरुद्ध भी सही है, लेकिन इसका संस्कृतिकरण रूप है, जैसे बड़ा अपन लिखे वी रू फिर दह के नीचे अलंत लगते हैं और दह पूरा होता है इसके अंदर, ऐसे लिखा जाता है। समझ गए? तो कई बार आता है कि विरुद्ध का सही रूप क्या है, अपन इसको अलंत के रूप में लिखे तो ये अलंत के रूप में ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें अपन को लगता ही है कि दह आधा है मूल रूप से, जबकि मूल रूप से दह तो पूरा होता है, और जो पूरा शब्द दिखाई देता है वो आधा होता है, आधे शब्द के नीचे अपन अलंत लगाते हैं अक्षर के नीचे। समझ गए? तो ये चीज थी। तो पद्मनाभ, पद्मनाभ अब किसके दरबार के अंदर थे? पद्मनाभ पृथ्वीराज चौहान। फिर क्या है, पृथ्वीराज चौहान के दरबार में इसके अलावा, पद्मनाभ के अलावा कौन? जय, जय नायक। तो जय आ गया, तो जय आते लास्ट में जय विजय है ना, विजय में जय आ रहा है, तो जय नायक पृथ्वीराज विजय। चंद्रवरदई चांद रास आएगा पृथ्वी को, पृथ्वीराज रासो। फिर वागीश्वर जनार्दन विश्वरूप पृथ्वी भट्ट विद्यापति गॉड आदि दरबारी कवि थे। वेरी इंपॉर्टेंट कर दो उस लाइन को, ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ना, जनार्दन बहुत इंपॉर्टेंट कवियों में से एक है, पद्मनाभ तो उसका जो डिपार्टमेंट था ना कला एवं साहित्य विभाग उसका हेड था। पृथ्वीराज चौहान तिथि ने टोंक जिले में बांध के किनारे महादेव का मंदिर बना हुआ है। कल भी देखा था अपन ने भाई, तालाब वगैरह सब विग्रह राज की चतुर्थ की देन है, और वहां महादेव मंदिर बनाना अभी भी है वर्तमान में। अब तो कुछ तो जैसे बाढ़ डूब क्षेत्र में आ गया बांध के, तो कुछ मंदिर तो एएसआई ने एज इट इज ऊपर शिफ्ट किए, तो वहां शिव का मंदिर है वेल नोन, वो बनाया हुआ चौहान को, उसको एएसआई ने थोड़ा ऊपर बनाया एक एक पत्थर को ऊपर लाकर, तो डूब क्षेत्र में आ रहे थे फिसलपुर बांध में। फिर क्या, पृथ्वीराज घोड़े का नाम क्या था? नाट्यरंभा। तो आज अपन इस घोड़े का स्मारक देखते हैं, जैसे कहाँ बना हुआ है ये, कल भी आया था जैसे अपने तारागढ़ दुर्ग के अंदर, तो ये है वो घोड़ा नाट्यरंभा है ना। तीन चार घोड़े जैसे हिस्ट्री के अंदर बहुत फेमस हुए हैं, जैसे अपन देखते हैं अलेक्जेंडर के घोड़े का नाम था बुकाफेला, ये है ही पृथ्वीराज चौहान नाट्यरंभा, प्रताप है ही चेतक ऐसे, और बुद्ध महात्मा बुद्ध के पास घोड़ा था उसका नाम था कंथक, जो थके नहीं वो कंथक ऐसे। आगे इसको धीरे धीरे अपन पढ़ते जाएंगे, जैसे ब्रैकेट में लिख लो प्रताप बराबर चेतक, तो कुछ तो याद रह जाएगा, चेतक चेतक तो जानते ही आप। ऐसे अलेक्जेंडर का लिख लो बुकाफेला, वही अलेक्जेंडर द ग्रेट यूनान का बुकाफेला, मतलब घोड़ों के पीछे जीता हुआ साम्राज्य, ठीक है ना। तो ये नाट्यरंभा ये घोड़ा, समझ गई थी ये। फिर अपन थोड़ा सा देखते हैं मोहिनीद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में, तो ख्वाजा मोहिनीद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया? गौरी के साथ, और ब्रैकेट में लिखो दोनों के साथ साथ एक व्यक्ति है ये, ऊपर गजनी लिखो मोहम्मद गजनी, गजनी के साथ कौन आया था भारत? अलबरूनी लिख लो, तो दोनों के एक साथ, दोनों के साथ साथ एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जैसे अपन देखा ना महेंद्रपाल और महीपाल, महेंद्रपाल के पास क्या था? राजशेखर, तो महीपाल के पास क्या आ गया? अलमसूदी। ऐसे अपन ने देखा अलबरूनी के साथ आ गया कौन? अलबरूनी, मतलब मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी के साथ आ गया अलबरूनी, और मोहम्मद गौरी के साथ आ गया कौन? ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती, वही ख्वाजा गरीब नवाज जो अपन देखते हैं है ना, मोहिनुद्दीन चिश्ती। तो पहले तो इस चिश्ती के ऊपर गोला लगाओ है ना, क्योंकि ये चिश्ती संत, जैसे ये अपन ये सूफी संत थे, तो इसमें अनेक संप्रदाय हुए, जैसे हिंदू धर्म में अपन देखते हैं शैव वैष्णव ऐसे, तो ऐसे चिश्ती थे, सूरावर्दी थे, कादरी थे, तो सिलसिले थे अलग अलग, मतलब सेक्ट संप्रदाय। तो सूफी संत थे ये किस संप्रदाय के? चिश्ती संप्रदाय के, ऐसे अपना, इसलिए इनका नाम है पूरा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ना। इनके और जैसे जो सूरावर्दी होते हैं है ना, सूरावर्दी होते हैं, जकारिया होते हैं, जैसे बाउद्दीन जकारिया, ये तो वो सब सूफी संत अलग अलग संप्रदाय के थे, ठीक है। तो ये चिश्ती के थे, चिश्ती पे गोला लगा लो, जैसे आप मुस्लिम नाम जैसे देखना तो ये नाम के एंड में आते हैं ये शब्द, चिश्ती सूरावर्दी कादरी, ये सिलसिले हैं अलग अलग संप्रदाय, तो चिश्ती सिलसिला वर्ड लिखो, सिलसिला सिलसिला, सिलसिले का मतलब होता है सूफी धर्म में संप्रदाय। जैसे अपन शैव वैष्णव देखते हैं ना, ऐसे शैव में भी जैसे लिंगायत हुए, पशुपत हुए, कापालिक हुए, ऐसे तो ये संप्रदाय है सूफी धर्म के,
और संप्रदाय के लिए वर्ड यूज आता है सिलसिला, तो किस सिलसिले के थे ख्वाजा मोइनुद्दीन? चिश्ती सिलसिले के। ये यूं आए कि पृथ्वीराज चौहान के समय किस सिलसिले की नींव पड़ी अजमेर के अंदर? तो सिलसिला, पहले तो सिलसिला वर्ड समझना, कौन सिलसिला मतलब संप्रदाय, किस क्या संप्रदाय? चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गोरी के साथ तथा पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में अजमेर आए, समझ गए। और अलबरूनी किसके साथ भारत आया? मोहम्मद गजनवी। दोनों इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इनका जन्म 1143 में संजरी फारस में हुआ था, ईरान, फारस को लिख लो ईरान, फारस, पर्सिया, ईरान सब एक ही चीज है, फारस का ही नया नाम है ईरान। मोइनुद्दीन चिश्ती के पिता गयासुद्दीन अहमद तथा माता बीबी मनहूर थी। चिश्ती संप्रदाय आगे ना, चिश्ती संप्रदाय के संत जिस जगह रहते थे उसे खानकाह कहा जाता था, रहने पे ऊपर गोला लगाओ रहने, जिस जगह रहते थे निवास स्थान है खान कहा, और नीचे ब्रैकेट में आगे लिखो पूजा स्थल, पूजा मान लो, या जहां ये ध्यान लगाते थे, ध्यान, पूजा या ध्यान दोनों लिख लो। मतलब पूजा अपने आप में जैसे होता है ध्यान लगाना, मेडिटेशन, तो जहां यह ध्यान लगाते थे उसको क्या बोलते थे अपन? विलायत, 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 वही जिसको अपन फॉरेन बोलते हैं, है ना, जैसे कई दिनों से दिखाई नहीं देते थे, बहुत दिनों बाद क्लास में आए तो अपन बोलते क्या विलायत चले गए थे क्या, है ना, तो ये विलायत शब्द यहीं से आया। तो क्या थे, जैसे संत बनना कोई ऐसे नहीं होता, जैसे बोलते ना हजार टांके खा के महादेव बनते, तो जैसे संत ऐसे आराम से नहीं बना जाता कि थोड़ी सी अपन ने भगवदगीता याद कर ली तो संतो बन जाओगे थोड़ा भगवदगीता याद करने से, लेकिन तपस्या नहीं करोगे ना, सिर्फ गीता वीता याद कर लिए, ऐसे श्लोक याद कर लिए, तो कैसे संत बनोगे आप? राम रहीम जैसे, है कि नहीं? क्योंकि तपस्या करना बहुत जरूरी है। तपस्या का मतलब है कि पूरी हर चीज डिसिप्लिन में आना, समझ गए। तो जहां ही आप जैसे डिसिप्लिन में आना, ध्यान लगाना है, तो ऐसा थोड़ी ना कि घर में बैठ के अपन ध्यान लगा ले, कि उधर तो चल रहा है म्यूजिक हैप्पी सिंह और इधर अपन पूजा में ध्यान लगा के बैठे, तो फिर वो ध्यान, फिर संत बनोगे लेकिन कैसे? राम रहीम जैसे, है कि नहीं? तो अब जैसे आपको ध्यान लगाना है तो बिल्कुल आप जैसे देखो वेल नोन, जैसे जो हिंदू धर्म में भी शंकराचार्य हुए हैं, अब जहां अपन केदारनाथ बद्रीनाथ देखते हैं तो ऐसे ही वो मंदिर थोड़ी ना बने हो, पहले वो एकांत में जाके बैठे हैं, जैसे महात्मा बुद्ध भी हुए, है कि नहीं, बिल्कुल जंगल में जाके, कि जिससे वहां कोई हैप्पी सिंह सुनाई। अब केदारनाथ जैसे अपन मंदिर देखते हैं, आज देखो कितना रिमोट में बना हुआ है, तो आज तो चलो अपने पास यातायात के साधन है, उस समय तो कुछ भी नहीं था ऐसा, तो ऋषि मुनि ऊंचे पहाड़ों में जाते और तब अमरनाथ यात्रा गुफा देखो आप कहां है। अपन तो पर्यटन के रूप में वहां जाते हैं, ठीक है, जैसे गए आधे घंटा रुके, अरे ठंड लगने लगी, चलो 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 वापस। आज तो जबकि धर्मशाला है, उस समय तो कुछ भी नहीं था, चट्टान के नीचे बस बैठ गए अपन पद्मासन लगा के, तब वो बने संत। या अब जैसे अपन देखते हैं ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ख्वाजा मतलब ईश्वर का दर्जा इनको दिया गया, तो कुछ दिन तो जैसे समाज में रहते, फिर बिल्कुल परिवार से अलग हो जाते और पता ही नहीं लगता कि ये गए कहाँ हैं, है कि नहीं? तो किस जगह वो जाके बैठते थे? विलायत की, वो ध्यान लगा रहे, तो जैसे ये पता ही नहीं होता ना कि कहाँ चले गए, क्लास में बहुत दिनों बाद आए, तो जिसका पता ही नहीं होता ना कि वो कहाँ जाके बैठा है, तो ऐसे स्थान को क्या बोलते हैं अपन? तो ध्यान ऐसे लगाते थे कि लोगों को पता ही नहीं होता था कहाँ गए, वो अंतर ध्यान हो गए वो, तो जिससे आके कोई उनको डिस्टर्ब नहीं करे कि कल शादी है अपन को चलना है, तो लोगों को पता ही नहीं होता था जानने वालों को कि वो संत कहाँ बैठे, तब ये बने मोइनुद्दीन चिश्ती क्या? ख्वाजा, तब दुनिया इनको पूछती है ऐसे, समझ रहे आप? तो ये हो है महादेव, तो ये हो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती खानकाह। तो खानकाह तो वो रहने का स्थान, पर पूजा ध्यान का स्थान विलायत। फिर क्या है, संप्रदाय में गुरु को पीर, जैसे पीर मोहम्मद, और शिष्य को मुरीद कहते हैं, पीर एंड मुरीद, जैसे अपन पढ़ेंगे निजामुद्दीन औलिया पीर हुए और उनके मुरीद हुए कौन? अमीर खुसरो, है ना, मुरीद, तो शिष्य है, मतलब जो उसकी आस्था में विश्वास करता है कि जब तक उसकी शक्ल नहीं देखे तब तक उसको खाना नहीं पाता, मुरीद को, ठीक है, तो मुरीद किसी के भी हो सकते हैं अपन ऐसे, तो गुरु को पीर और शिष्य को मुरीद कहा जाता है, तथा उत्तराधिकार को क्या बोलते थे? वली, कि जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में उत्तराधिकारी हुए ऐसे, तो पीर मुरीद और वली, नहीं वरीद अलग, वरीद तो संप्रदाय हुआ हो, तो जैसे दक्षिण भारत में जैसे जो गए वरीद, अमीर अली वरीद, वली। फिर इनकी मृत्यु 1235 में अजमेर में हुई, ठीक है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1143-1235 याद रखो, और अजमेर में आज इनकी दरगाह है, ठीक है। ख्वाजा साहब की दरगाह हेतु जयपुर महाराजा जगत सिंह ने जमीन दी, मतलब जहां अपन ये देखते हैं पूरा, भाई दरगाह तो छोटी थी लेकिन पूरा जैसे अपन देखते हैं करीबन
10 से 12 जैसे बीघा इनको मिली हुई है वहां जागीर पूरी बीघा के अंदर जो आजी है। जगत सिंह ने जमीन दी, ठीक है। फिर इनके दरगाह बनाने की शुरुआत इल्तुतमिश ने की तथा पून हुमायूं ने करवाया। फिर ये तो सिर्फ दरगाह दरगाह की है, लेकिन आज जैसे अपन जो पूरी जैसे देखते हैं ना पूरा हिस्सा, वो जगत सिंह तो बहुत बाद में हुए बाबर हुमायूं के, इल्तुतमिश हुमायूं के। तो इल्तुतमिश तो दिल्ली सल्तनत का है और हुमायूं ये मुगल शासक है। लिख लो इल्तुतमिश पे तो लिखो गुलाम शासक और हुमायूं पे लिखो मुगल शासक, दोनों अलग अलग ही। कहीं आप समझो कि इल्तुतमिश के बाद ही हुमायूं आया, वो दोनों के अंदर करीब 500 साल का फर्क है। और जगत सिंह तो और भी बाद में हवा महल जब बना उस समय के जगत सिंह। तो फिर क्या है यहाँ पर, प्रतिवर्ष पहली रजब से छठी रजब, ठीक है। ये रजब क्या है, ये रजब महीना होता है। फिर उस महीने की जैसे अपन जैसे देखते हैं दिसंबर चल रहा है, तो ऐसे दिसंबर महीने की आज जैसे अपने 13 तारीख 14 तारीख है कि नहीं, ऐसे रजब महीना है। ये हिजरी संवत लिख लो, इसमें हिजरी संवत के महीने ही है। तो हिजरी तो संवत है, उसका रजब महीना है। तो जैसे दिसंबर की पहली तारीख, ऐसे रजब महीने की पहली तारीख और रजब महीने की छठी तारीख है ना, कि पहली रजब से 6 रजब। और कई बार जैसे होता है हर 4 साल बाद में करीबन 3 दिन और चलता है, तो 9 रजब तक ये मेला भरता है, ठीक है। पहली रजब से 6 रजब या 9 रजब तक उर्स या मेला, मेला तो जैसे हिंदू शब्द है और जो मुस्लिम है वो उर्स लगता है, जिसका उद्घाटन भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। ये गोरी जैसे क्या है, गोरी ऐसा नहीं कि ये हिंदू है, ये गोरी के सेनापति के रूप में, जैसे गोरी का भाई एरिया क्षेत्र बन ही चुका था यहाँ पे, दिल्ली अपने कंट्रोल में है, तो जो सेनापति यहाँ रह गए, जैसे अपन जैसे देखते हैं कि दिल्ली के पास एक एरिया है इधर पश्चिम में रोहिणी की तरफ, उसको अपन बोलते हैं मंगोलपुरी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी के समय मंगोल आक्रमण हुए, तो कुछ मंगोल फिर यहीं बस के, जैसे कुछ कुषाण आए वो अपने पश्चिम के अंदर रह गए राजस्थान के पश्चिम में, तो वही आगे अपन देखते हैं राजपूत ट्राइब के रूप के अंदर सामने आए, कुषाण वंश से आए ही नहीं अपन राजपूतों की उत्पत्ति पड़ी ऐसे। तो ये जो गोरी परिवार है ये वो मोहम्मद गोरी के वंशज हैं ऐसे, लिख लो मोहम्मद गोरी के वंशज, मतलब सेनापति के रूप में। भाई गोरी तो जैसे मेन चला ही गया, लेकिन कुछ सेनापति जैसे यहाँ रह गए बहुत, तो जैसे अंग्रेजों का आप जैसे जाके देखो अपने ये जो यूपीएससी है उसके सामने वो ग्रेवयार्ड है अपने कब्रगा, तो वहां कुछ गवर्नर जनरल की ग्रेव मिलेंगे आपको, सेनापति को मिलेंगे, उनकी वाइफों की ग्रेव मिलेंगे आप बिल्कुल यूपीएससी के थोड़ा सा सामने ऐसे, मतलब राजस्थान में जाते हैं तो रास्ते में वो ऐसे है ये। तो ये गोरी परिवार, भीलवाड़ा का गोरी परिवार, रजब मोहम्मद गोरी, ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती, पीर मुरीद और वलिया ऐसे है ये पूरी चीज, समझ गए। यू है तो जैसे ये वेल नोन जो फैक्ट आ रहे हैं ना, मतलब इसमें जैसे जो ज्यादा भावुक मत हो चीजों को लेकर, कहीं भी फैक्ट को ध्यान रखो और क्वेश्चन को ध्यान रखो, क्या क्वेश्चन आता है कैसे उसको अपने को सही कर, समझ गए। ये कोई कंफ्यूजन बताओ इसमें कौन सा, नहीं छोड़ नहीं, इल्तुतमिश के समय इल्तुतमिश बनाया गया इसको रणथंभौर का, जैसे अपन जो ना हाँ मतलब पराजित करने में नो डाउट छोटा तो था, लेकिन क्या राजकुमार के रूप में महत्वपूर्ण, मतलब अभी थोड़ा अपन इसका आगे और पढ़ेंगे तो हरिराज आएगा और गोविंद राज आएगा, ये रणथंभौर में आएंगे दोनों नाम। तो हरिराज तो नीचे आप लास्ट में लिख लो, उसमें लास्ट में थोड़ी जगह में लिख लो हरिराज, पहले तो हरिराज लिखो, वो पृथ्वीराज चौहान का भाई था, ठीक है ना, हरिराज पहले हरिराज नाम लिखो, हरिराज पृथ्वीराज चौहान का भाई, और फिर नीचे लिखो गोविंद राज, और नीचे लिखो पृथ्वीराज चौहान का पुत्र, और गोविंद राज के ब्रैकेट में लिख लो रणथंभौर, है ना। ये थोड़ा कनेक्टिविटी बनेगी जानना है, और एक्चुअली क्या राजकुमार के रूप में छोटा था, लेकिन राजकुमार के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका उसने निभाई। भाई पृथ्वीराज चौहान के पीछे दिल्ली का शासन चलाने में जब जरूरत पड़े तब आर्थिक सहायता, मतलब रसद के रूप में सहायता देने में ऐसे गोविंद राज की महत्वपूर्ण भूमिका। कमांडर तो खुद पृथ्वीराज चौहान ही था, युद्ध के अंदर नहीं आए, लेकिन पीछे से दिल्ली को संभाले रखना, अजमेर को संभाले रखना, इसमें गोविंद राज, मतलब हरिराज जो था वो कंपेरेटिवली इतना फेवर में नहीं था पृथ्वीराज चौहान के, क्योंकि दोनों भाई भाई थे, दोनों दिल्ली का सिंहासन पाना चाहते थे, तो हरिराज इतना इंपॉर्टेंट नहीं था पृथ्वीराज चौहान के लिए जितना उसका पुत्र था कौन, गोविंद। तो गोविंद राज के अंदर भी टैलेंट था, तो उस टैलेंट से प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने अपने सूबेदार के रूप में रणथंभौर का शासन गोविंद राज को संभाला, जिसे कि रणथंभौर में स्थायी शासन एक रहे, यूं समझ गए। तो ऐसे था। फिर अगले के अंदर जैसे अब क्या, ये चौहान अपन ने देखे, तो अब चौहानों के अपन टुकड़े पड़ेंगे, तो उन टुकड़ों में जैसे आएंगे रणथंभौर के चौहान, नाडोल के चौहान, ये दो मेन जालोर के चौहान आएंगे ऐसे। तो अब
जैसे अपन आगे आगे चलते जा रहे हैं, तो कल अपन चौहानों के वंशज के रूप में देखेंगे किसको, गोविंदराज रणथंभौर। ओके ओके।